नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, जैन आर के बी, और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामजियार जी के साथ। और प्रदीप नामजियार जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। पहली बार हुआ है कि हम दोनों इकट्ठे स्क्रीन पर आ गए। सो नाइस ऑफ यू टू द एंटायर प्रोडक्शन टीम। आई वाज अबाउट टू टेल यू टू डू द सेम थिंग, बट यू हैव एक्चुअली डन इट। सो नाइस ऑफ यू। आप सब लोगों को हमारी तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो प्रदीप जी, छगन भुजबल साहब कहते हैं कि जहाँ पर हम लोग जाते हैं वहां पर आप लोग जो हैं गौमूत्र से जगह को साफ करते exactly. हैं। तो फिर आप ओबीसी में आना क्यों चाहते हैं? एग्जैक्टली exactly, हम लोग तो ओबीसी हैं भाई, तो आप लोग ओबीसी में क्यों आना चाहते हैं? आप ऊंचे हैं, ऊंची जात के हैं, आप ऊंचे रहिए। आपको अपने आप को पिछड़ा साबित करने की आवश्यकता क्या है? ही इज एब्सोल्युटली राइट, राइटफुली स्पीकिंग, व्हाट मिस्टर भुजबल इज सेइंग इज नॉट रॉन्ग। And as far as the followers of Mr. Jharange Patil are concerned, they had no business cleaning up that entire area or that road with Gaumutra and you know whatever they were carrying in their hands. ऐसे चीज कभी महाराष्ट्र में दिखा नहीं है। The first time these things are happening. Yes. And कभी कभी हो जाता तो फिर टोकनिज्म होता था कि एक दो घंटा ये सब करके फिर निकल जाते थे। जब भुजबल साहब ने वो गौमूत्र छिड़का था वो हुतात्मा चौक पर, but no, this is happening too much. This is एक डे टू डे अफेयर हो गया है where everybody is lashing out each other. आज पडलकर जी पे चप्पल फेंक रहा है जी, तो यू नो ऑल दिस इज रीचिंग डेंजरस डेंजरस लेवल्स ऑफ सो व्हिच टॉक्सिसिटी, व्हिच मींस देयर इज अ लॉट ऑफ सिमरिंग रिजेंटमेंट इनसाइड पीपल एंड इट माइट गो अप एनी टाइम। सो यू रियली नीड वेरी कूल हेड्स टू डील, एंड द लीडर्स टॉक लाइक दिस, द वे भुजबल जी इज टॉकिंग, द वे जरंगे पाटिल इज टॉकिंग, आई मीन देयर इज देन right, we are back. So as you said, the leaders have to show a lot of element of you know sitting together and finding a way out rather than just abusing each other on stage, because aaj Bhujbal ji ne bahut bada sawal liya usme jo jis prakar se language use kiya tha, and before that Jarange Patil, Jarange Manoj Jarange Patil to har sabha mein Bhujbal ji ko gali de raha, this has to stop. I mean the top leaders have to show some level of restraint. देश के लिए, yes, yes, restraint, whatever you call it, discipline, you know, you need to have your goals, but not this violent way. I mean, आप ऐसे बात करोगे तो on the roads जनता कैसे, means Maratha versus OBC, तो पूरे मारपीट और संघर्ष चलेगा। That is not. Let's ask Mr. Pradeep Peshkar. He is with us right now. Pradeep Peshkar साहब, नमस्कार। One minute. नमस्कार, नमस्कार। Pradeep Peshkar साहब, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा अभी? ये कास्ट वर्सेस कास्ट कुछ लगता नहीं है आपको? कुछ ज्यादा हो रहा है अभी, मतलब इसको जरा कंट्रोल में करना चाहिए, सब लोगों को जरा भाषा का ध्यान रखना चाहिए। जैसे भुजबल साहब बोल रहे हैं उस तरफ से, सामने जरंगे पाटिल साहब बोल रहे हैं, जरा हरे को बोलिए ठंड रखिए, सबका काम हो रहा है ना, मतलब मेरी समझ के बाहर है। जब एक बार सरकार ने प्रॉमिस कर दिया है, अरे भाई देवेंद्र फडणवीस ने खुद प्रॉमिस किया है यार, उसके बाद और क्या चाहिए? शिंदे साहब ने भी किया है, उसके बाद भी आपको क्या लगता है ये ऐसी बातें क्यों हो रही? क्या ये जान के किया जा रहा है, क्या हो रहा है? प्रदीप पिशकर साहब, नमस्कार। इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आज शुरू नहीं होगा। जब जब सत्ता को विरोध करना है जी, ये जब मंशा किसी के जाग उठे तब तब इस प्रकार से आंदोलन शुरू हो गए। ये एक प्रक्रिया है। और दूसरी बात, मराठा आरक्षण का प्रश्न जो है महाराष्ट्र में काफी दिनों से प्रलंबित है। मराठा बंधुओं का आक्रोश समझ सकते हैं, बिल्कुल सही है कि मराठाओं में जो आर्थिक दुर्बल है, जिनके पास सही में मदद की आवश्यकता है, जिनको तो उन तक मदद कभी पहुंची ही नहीं। आज तक इतने मराठा मुख्यमंत्री हुए, किसी ने आरक्षण देने का काम सोचा भी नहीं, करने का तो सवाल ही नहीं, सोचा भी नहीं। लेकिन हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस जी ने आरक्षण दिया, वो हाईकोर्ट में भी उस पर मोहर लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब गया तब उद्धव ठाकरे सरकार
जो आज अजंजय राउत जो बोल रहे हैं ना बड़े बड़े आवाज में, जी, जी. तो उनको ये समझना चाहिए कि हमने सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं कर पाए. तो ये कांग्रेस वाले जो बोल रहे हैं उनको कुछ नहीं कर पाए, तो ये दिक्कत है. और ये कानूनी प्रक्रिया है. अभी शिंदे जी ने और देवेंद्र जी ने और अजित पवार जी ने बोला है कि ये हम करेंगे जरूर, लेकिन उसके लिए जो महास्वर्ग आयोग की पुनर्रचना करनी थी वो भी हो गई. अभी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देना था वो भी हो गया. अभी क्यूरेटिव पिटीशन भी सुनी जाएगी. इस प्रकार से सब आगे चल रहा है. लेकिन दोनों तरफ से आपने जो बोला कि अलग अलग प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, महाराष्ट्र में ये संस्कृति कभी नहीं. मैं तो व्यक्तिगत मेरा मानना यह है कि मीडिया में रोज आता है और मैं हीरो बनूंगा, ये स्टाइल से सब हो रहा है ऐसा मुझे लगता. क्या होता है कि कुछ भी बोलो मीडिया वाले दिखा देते हैं. पहले ऐसा नहीं था. हम लोग अगर किसी भी भाषा में बात करेंगे तो मीडिया की जरूरत क्या है, कुछ तो सेंसरशिप होनी चाहिए. हम किसी को कुछ भी बोलेंगे, किस भाषा में भी बोलेंगे, और वो सारे जैसे के जैसे लाइव टीवी पे दिखा देंगे. इस पर भी कोड ऑफ कंडक्ट खुद मीडिया ने भी लगाना चाहिए. अगर किसी को भी गाली देंगे और वैसे ही दिखा देंगे आप दिन रात 24 तास, तो जिसको जिसको आक्रोश समझ सकते हैं. लेकिन इस प्रकार के बातें किसने शुरू की पहले, तो सबसे पहला शुरू हुआ वो संजय राउत जी से कि किसी भी भाषा में बोलो ये चलाते हैं टेप. बस वो तो खुद पत्रकार है, खुद संपादक है, फिर उसके हर हर एक को फिर आता है बोलना, किसको नहीं आता है. फिर वही बात भुजबल जी की हो गई. वो तो बड़े नेता है, बुजुर्ग है, लेकिन अगर उन्होंने आज ये भी ये तक कहा कि दादागिरी की भाषा दादागिरी से हो जाएगी, ये बात गलत है. इस प्रकार से किसी को बोलना या दरंगे जी का भी बोलना, सरकार को धमकाना, इस चीज अच्छी नहीं लगती है. क्योंकि सरकार तो काम कर रही है ना, कानूनी प्रक्रिया है. कानूनी प्रक्रिया के लिए जितना समय लगेगा उतना लगना ही है. और अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी अगर उस पर कुछ अड़िग रहे थे या नहीं करते तो अलग बात है. बिल्कुल संवैधानिक तरीके से वो करना चाहिए. लेकिन कुछ एलिमेंट, जरांगे जी का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ एलिमेंट घुस गए और हुआ वो तो सबके सामने है. तो उसका एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार का कंटिन्यूअस आरोप करना, ये थोड़ा कम करना चाहिए. दोनों ने भी संयम दिखाना चाहिए. ओबीसी जात जात में लपड़ा, जात जात में अगर इस प्रकार का पंगा करेंगे तो महाराष्ट्र की शांति नहीं रहेगी. महाराष्ट्र की यह संस्कृति नहीं है. हम लोगों ने पहले ही देखा है अंग्रेजों ने हम पर राज क्यों किया. अंग्रेजों ने राज इसीलिए किया कि हम लोग इकट्ठा नहीं थे. हमारी संस्कृति की जो पहचान है वो सब एकता में है. और जाति जाति में हिंदू बटेगा नहीं. इस पर जब मोदी जी चल रहे हैं, हम लोग हिंदू एकता की बात करते हैं, तो इसमें खल डालने का, इसमें कुछ तो गड़बड़ी कर पैदा करने का कुछ षड्यंत्र मुझे दिख रहा है. लेकिन प्रदीप पेशकर साहब, जो आपने बात कही वो 16 आने ठीक है, सिर्फ अंग्रेजों ने ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी सफलता ये थी कि उन्होंने जाति जाति में एकता पैदा करी. ये किया कि यहां महाराष्ट्र में जो भी पैदा हुआ है वो मेरे साथ है. यहां तक के उनकी नौसेना में और उनके आसपास तकरीबन 27 मुस्लिम जनरल भी थे, सब छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ थे. इसलिए मुगलों के ऊपर वो फतह पाप वो अचीव करी उन्होंने, वो फतह की उन्होंने मुगलों के ऊपर, मुगलिया सेना के ऊपर, क्योंकि सब लोग उनके साथ थे. अब उसको छिन्न भिन्न करने की कोशिश की जा रही है. आप बिल्कुल ठीक मतलब फरमा रहे हैं, लेकिन ये कर कौन रहा है? अब नाम भी बता दें प्रदीप पेशकर साहब. नहीं, ये तो सरकार को पूरा सरकार को पूरा पता है. जब जरूरत पड़ेगी तो नाम भी सामने आ जाएगा. ऐसा नहीं है कि सरकार को यह पता नहीं होता है. लेकिन सरकार को पूरा पता होता है. सरकार सरकार होती है. आखिर सरकार माने एक नेता या एक कोई मंत्री ऐसा नहीं होता है, पूरा प्रशासन व्यवस्था है. हमको प्रशासन व्यवस्था पर भी भरोसा रखना चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर के देश के है. हमारे प्रशासकीय अधिकारी है, उनके पास सब डेटा है, सब कौन क्या कर रहा है ये सब जानकारी है. लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो. जो जरूरत
अभी समाज की मानने जो उनकी डिमांड है उसकी है, वो पूरी करने का जिम्मा अभी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने किया है, लिया है, तो मुझे लगता है कि वो पूरा करके ही छोड़ेंगे, बाद में तो सब पता चलेगा ही कौन क्या करता है। दुरुस्त बात है, यहाँ पे एक सेकंड, लेकिन साहब ये देखिए, झरंगे पाटिल साहब को धमकी भरे वचन नहीं बोलने चाहिए, उनको डेडलाइन नहीं देनी चाहिए। आवाज नहीं यार सर, आपको अभी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी नाउ सर? हाँ अभी अभी आ रहा है। जी जी हाँ, यस यस। झरंगे पाटिल साहब जो धमकी वाली भाषा इस्तेमाल करते हैं ना, कि 24 दिसंबर तक अगर नहीं हुआ तो हम मुंबई चौकअप कर देंगे, 1 जनवरी तक नहीं हुआ तो फिर देखिए हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके सामने से जो बाकी लोग हैं वो भी उत्तेजित हो जाते हैं, तो आपको लगता नहीं किसी को जाकर के झरंगे पाटिल साहब से बात करनी चाहिए कि यार तुम्हारा काम हो रहा है ना, फिर इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? प्रदीप पेशकर साहब, नहीं नहीं ये तो सही बात है कि इस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल जब काम हो रहा है तब नहीं करना चाहिए। उनको भी मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ संदेश दिया गया है, लेकिन अभी देखते हैं उसमें आगे क्या फर्क आता है। जी प्रदीप जी, यू नो नवाब मलिक वाले इशू बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन गया। पेशकर साहब, देवेंद्र फडणवीस जी ने लेटर लिखा, लेटर लिखा अजीत पवार जी को, अजीत किसको प्रॉब्लम हो गया? सॉल्व हुआ नहीं अभी तक, चर्चा हुई है कि नवाब मलिक भी क्या वो वॉशिंग मशीन में धुलेगा। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, यू नो आवाज अगेन, आस्क द क्वेश्चन अगेन। यस यस सर, सर पेशकर साहब अभी आवाज 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 क्लियर नहीं है। मैं हाँ, नवाब मलिक वाले इशू में मैं एग्जिट होकर, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मैं एक बार एग्जिट होता हूँ फिर इन होता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ नेटवर्क में ही इशू है। जी ठीक 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 ओके सर ओके, कैन वी डू दैट प्लीज। All right. So Nawab Malik is still back in the issue, sir. He's back. I think Mr. Malik has achieved whatever he set out to achieve. And by the way, that's an old footage of Mr. Malik. This is not a press conference he's addressing right now. Can we remove that, please? If we have the latest footage of Mr. Malik, then we put it on, because this will seem as if you know he's addressing a press conference. He Nawab Malik saab ko Supreme Court ka aadesh hai ki wo koi press conference address nahi kar sakte. Is this the latest footage? क्या ये लेटेस्ट फुटेज है जो नवाब मलिक की हम लोग दिखा रहे हैं? अगर लेटेस्ट फुटेज नहीं है तो हटा दीजिए प्लीज, प्लीज हटा दीजिए। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं कि ये लेटेस्ट फुटेज नहीं है, नवाब मलिक जी को पाबंदी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस नहीं कर सकते, एंड वी आर नॉट ट्राइंग टू शो, यहां पर हम लोग कुछ शो करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि नवाब मलिक साहब ने पत्रकारों को संबोधित किया, ऐसा बिल्कुल नहीं, उन्होंने पत्रकारों से कोई बात नहीं करी है। लेकिन जो आप बोल रहे थे ना प्रदीप जी, एग्जैक्टली अरे भाई, देवेंद्र फडणवीस साहब ने बात की है, चिट्ठी भी लिखी है अजीत दादा पवार को, एकनाथ शिंदे साहब ने भी बोला है कि ये गलत है प्रदीप जी आज, तो उसके ऊपर कांग्रेस ने ये पूछा है कि सिर्फ नवाब मलिक साहब से ही आपको क्यों एलर्जी, क्योंकि नवाब मलिक साहब मुसलमान है क्या? इसलिए बिकॉज ही इज अ मुस्लिम। प्रफुल्ल पटेल साहब के खिलाफ भी तो वही चार्जेस हैं, ईडी का उनके खिलाफ भी तो केस चला, अब नहीं है, लेकिन प्रफुल्ल पटेल साहब के खिलाफ ये आरोप था कि वो एक इकबाल मेमन, जिनको इकबाल मिर्ची कहा करते थे, उनके बड़े क्लोज हुआ करते थे, ऐसा आरोप है। प्रफुल्ल पटेल साहब कहते मैं जानता भी नहीं हूं वो आदमी है कौन, मुझे क्या मालूम। और नवाब मलिक साहब जो हैं उनके खिलाफ आरोप है कि वो दाऊद इब्राहिम के बड़े क्लोज हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है कि दिस माफिया इज मोर डेंजरस देन दैट माफिया, मतलब क्या है ये कि प्रफुल्ल पटेल के साथ आपको एलर्जी नहीं है लेकिन नवाब मलिक के साथ आपको है, क्या इसमें आपकी ये मंशा दिखती है कि आप मुस्लिम विरोधी हैं? प्रदीप जी, तो दो चीज है सर इसमें, वन थिंग इज दैट नवाब मलिक को खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने एलिगेशंस लगाया था कि इनका दाऊद से संबंध है, और पूरे बीजेपी ने इस चीज को बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट कर दिया कि ही वॉज इन्वॉल्व विद एनिमीज ऑफ द स्टेट, ही इज इन्वॉल्व विद एनिमीज ऑफ स्टेट। The similar charges is not there against Prafull Patel. That could be the BJP's line of defense. That ki Prafull Patel ko humne kabhi aarop nahi lagaya, but Iqbal Mirchi, you need to
find out is the Dawood, he's not Dawood, but he has not worked again. He's not the enemy of the state, probably. But he was always arrested. And he was not involved in the bomb blast. He was not involved in the bomb blast. So that could be a line of defense for them. But here, sabse bada target hai ki Modi ji ka ki Maharashtra mein 48 mein se 40 to 45. They need that to see that they retain the original 303 mark jo hai existing usko supersede kare. To 350 agar Modi ji ko milna hai Lok Sabha mein to Maharashtra mein 40 to 45. Peshkar sahab wapas aake, Peshkar sahab Nawab Malik wale issue Nawab Malik wale issue mein bhale Fadnavis sahab ne letter likha hai, but wo jo kichad kisi ne feka hai Nana Patole ji ne, Congress ne, wo thoda bahut aap pe lag gaya hai ki ये भी वॉशिंग मशीन में क्या नवाब मलिक भी धुलेगा. नवाब मलिक के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद एलिगेशंस लगाए थे. ईडी ने कहा कि ही वाज इन टच विद द एनिमीज ऑफ द स्टेट, दाऊद इब्राहिम के साथ उनका साथ गार्ड हसीना पार्कर के साथ. यस तो आज के तारीख में नवाब भाई बैठे हैं ट्रेजरी बेंचेस में, तो कैसे देखते हो आप, हाउ यू गोइंग टू कन्विंस द पीपल, पेशकर साहब? नहीं, ऐसा है कि नवाब मलिक जब ये उलटफेर हुआ और अजीत दादा का गुट में शामिल हुआ, तब नवाब मलिक जेल में थे और वो यहाँ पर आए, अभी आए मेडिकल ग्राउंड पर, वो छुट्टी लेकर आ गए. और जो देवेंद्र जी ने विधिमंडल में ही ये कहा है कि अभी इस पर आवाज कौन उठा रहा है, जिन्होंने उनको मंत्री बनाया, लेकिन जब ईडी ने कहा और जब ये कॉन्स्पिरेसी सामने आ गई, उनकी जेल में जाना पड़ा, फिर भी बोले हम उनको हटाएंगे नहीं, और वो अभी हमको सिखाएंगे कि यहाँ बैठे वहां बैठे. देवेंद्र जी ने उनका काम इतना सही तरीके से किया. हमारी एक एक कार्यकर्ता की भावना है कि पहले देश, हमें संस्कार है हमारा, पहले देश फिर पार्टी और फिर खुद. ये सत्ता तो हमारा साधन पैसा है, सत्ता हमारा साध्य नहीं है, वो साधन है कि समाज सेवा करने का. तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें उनके समझ में आएंगी. उनके समझ में यही आती है कि आज का दिन किसी तरीके से निकाल लो और किसी के ऊपर कुछ एक्शन कर लो, उससे कुछ होगा नहीं. नवाब मलिक जी को ओपन तरीके से देवेंद्र जी ने ये अजीत दादा को कहा है कि वो हमारी सत्ता में नहीं चाहिए, क्योंकि उनका रिश्ता देशद्रोहियों के साथ में रहा है और उनका मुकदमा देशद्रोह का है. तो इतना सारा खुला होने के बाद, और उस पर अजीत दादा ने भी बोला है कि नवाब मलिक जी जब उनका पक्ष रखेंगे या उनका जो विलिंगनेस है वो दिखाएंगे, तब आगे की बात होगी. तो इनको मिर्ची लगने की जरूरत क्या है, ये तो इंटरनल मामला है ना. लेकिन प्रदीप पेशकर साहब, आज की तारीख में ही सिटिंग विद द रूलिंग पार्टी बेंचेस, वो वहां बैठे ऑपोजिशन पर, बेंचेस के साथ नहीं बैठे. ऐसा है, वो अजीत दादा गुट के साथ बैठे नंबर सीट नंबर 49 पे, तो वो अलॉट की गई है उनको स्पीकर साहब द्वारा कि आप अजीत गुट के हैं. नहीं नहीं, ऐसा जी गई है उनको स्पीकर साहब का डिसीजन, स्पीकर साहब का वो प्रशासकीय डिसीजन होगा जी. लेकिन पॉलिटिकली देवेंद्र जी ने और अजीत दादा ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है. बहुत बार ऐसा हुआ है, मुझे लगता है कि पहला एक अधिवेशन हुआ उसमें भी सभी एक साथ बैठे थे. बहुत बार ऐसा हुआ है, जब तक वो सीट एलोकेशन नहीं होता है तब तक जो पहले वाली सीट है वहीं पे बैठा जाता है. आज तक वो सीट खाली रहती होगी, अभी वो वहां पर बैठ रहे. लेकिन ये बात क्लियर है, मंशा हमारी क्लियर है कि इस प्रकार से जो देशद्रोही का मुकदमा जिस पर चल रहा है उसका समर्थन हमें नहीं चाहिए. इतना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है पवन कुले जी, उन्होंने भी कहा है सर, लिखित में दिया है. अब क्या है, वो तो मानना पड़ेगा, इस प्रकार स्पष्ट है जी. लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम इसमें आती है प्रदीप जी, दोनों प्रदीप जी मेरे साथ हैं, एडवोकेट प्रदीप नामदार जी और प्रदीप पेशकर साहब. तकलीफ इसमें यह आती है कि नवाब मलिक साहब को बेल मिली है मेडिकल ग्राउंड्स पे, कि उनका गुर्दा खराब हो गया था, किडनी खराब हो गई थी, लिवर डिसफंक्शन था, हो सकता है कि उनको डायलिसिस के लिए जाना पड़े, बिल्कुल ये सब था. अरे सर, जो जिस शख्स को एकदम मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत थी,
उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह कहा कि दैट ही रिक्वायर्स मेडिकल अटेंशन 24/7 और वो बिल्कुल ठीक ठाक है, नागपुर की असेंबली अटेंड करने के लिए बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ समझ में नहीं आई बात। प्रदीप मिश्रा साहब, आपको क्या लगता है? नहीं, उस के पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए जी, और सही में किस ग्राउंड पर उनको जमानत मिली है वो ग्राउंड पे मुझे लगता है कि जज भी देखते हैं ये सारी चीजें, वो भी पूछेंगे, और सरकार तो सरकार की तरफ से करेगी। प्रदीप जी, सर पेशकर साहब, कांग्रेस पार्लियामेंट में आवाज उठाए कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपने वादे नहीं निभाए, बोले काला धन वापस नहीं आया, पेट्रोल 50 रुपए में देने वाले थे, डीजल 40 रुपए में देने वाले थे, वो हुआ नहीं, हर व्यक्ति को घर 2022 तक देने वाले थे, वो दिया नहीं, रुपी को डॉलर के खिलाफ स्टेबलाइज नहीं किया, कांग्रेस का आरोप है, रुपी आज बढ़ता दौड़ता जा रहा है डॉलर के हिसाब से, 2 करोड़ जॉब्स, वो पूरे लिस्ट लेकर राजीव शुक्ला जी पार्लियामेंट में हंगामा कर दिया, कांग्रेस भी हंगामा कर दिया कि मोदी साहब अपने वचन नहीं निभाए, मोदी गारंटी डजंट स्टे, मोदी साहब का गारंटी फुलफिल नहीं हो गया। पेशकर साहब, मोदी जी का ये किस दुनिया में जीते हैं यही मुझे पता नहीं है, ये कांग्रेस वाले लोग मुझे ये समझ में नहीं आता है, आज भी वो डॉलर के साथ तुलना कर रहे हैं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था आप हंसने लगे, बोले चार स्टेट में 10 लाख वोट हमको ज्यादा मिले हैं बीजेपी से, और 40% वोटर्स वोट शेयर हमको मिला है, तो बीजेपी हमको, बीजेपी का सुपड़ा साउथ में पूरा साफ हो गया है, टोटल साफ हुआ है, बट वी आर इन कंटेंशन, राहुल गांधी जी का कहना है, आप इसको कैसे क्या नकार सकते हो कि 40% वोट शेयर मिला है कांग्रेस को? मिला है ना कांग्रेस को, बिल्कुल वोट शेयर मिला है, इसी के लिए तो कांग्रेस पार्टी तो चाहिए ना, तो कांग्रेस यानी वृत्ति, कांग्रेस यानी परिवारवाद, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार, इसका मतलब ये था कि कांग्रेस मुक्त भारत, हम लोग ये करने में सफल हुए कि लोगों के मन से ये निकाल दिया कि भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए, परिवारवाद वाला सरकार नहीं चाहिए, और इस प्रकार से जो नाकृति सरकार है वो नहीं चाहिए, इसमें हम सफल हो गए, तो कांग्रेस का पूरा वोट जीरो हो जाए ऐसा हम भी नहीं चाहते हैं, हमें भी चाहिए ना, विरोधक तो चाहिए सत्ता में, ऐसा थोड़ी है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि चार स्टेट में राइट ऑफ हो गए, तो अभी पूरे भारत में ही अगली बार 24 को भी ऐसे ही होने वाला, 400 प्लस मोदी जी की गारंटी है, और हम भी बोल रहे हैं कि 400 प्लस तो होना ही होना, 400 प्लस सिर्फ बीजेपी के या एनडीए के एनडीए और बीजेपी के एनडीए, नहीं 350 प्लस, 350 वो तो ठीक है बोलने में कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन बीजेपी के अभी 350 प्लस तो होना ही होना है। क्या बात, नरेंद्र मोदी जी कह रहा कि जनसेवक एक बड़ा लीड करेंगे ऐतिहासिक जन आंदोलन, मोदी जी जन आंदोलन करने वाले हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा, तो बोले कि ये गारंटी वाला गाड़ी है, हर गांव में जाएंगे, गांव में जाएंगे, और उसमें 35 लाख आयुष्मान कार्ड भी बढ़ेगा, मोदी साहब का कहना है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने वाली गारंटी, तो गारंटी पूरी होने गारंटी, यस, तो मोदी साहब का ये कहना है, बिकॉज राहुल गांधी जी का भी गारंटी था, राहुल गांधी गारंटी, दो शायद 3 स्टेट में रिजेक्ट किया, पेशकर साहब जेल में जाने की गारंटी के बारे में बोलते तो आपको हंसी बहुत आता है, राहुल गांधी की गारंटी के भाई 2-3 बातें बोल सकता हूँ, हाँ बोलिए ना, जहां जहां राहुल गांधी प्रचार के लिए हारने की जरूर गारंटी, जहां जहां कांग्रेस का टच हुआ तो वहां जेल जाने की गारंटी, अभी ऐसा है कि हर जगह पर आज तक कितने इलेक्शन हुए मुझे पता नहीं, हर जगह पर हार है, और तेलंगाना में जीते, आप कह रहे हो
या राहुल गांधी जी कह रहे हैं या कांग्रेस वाले कह रहे हैं, ठीक है हमने अभी तक पूरी तरीके से तेलंगाना पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा बोल सकते हैं, हमारा पूरा वहां संगठन मजबूत नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं, हम कहा नहीं बोल रहे, तो वहां नहीं है। लेकिन आप प्रादेशिक पार्टी से भी पिछले बार हार गए, आज वहां पर जीत गए, आप राष्ट्रीय पार्टी हो तो राष्ट्र में क्या चल रहा है इस पे भी ध्यान दो जरा। एक छोटा राज्य आए और वो आप जीतने की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली नहीं जीत पाए तो आपको तो सरेंडर होना पड़ा आपके अंडर, तो इस प्रकार से कुछ बातें बोलने से होती नहीं है। राहुल गांधी मतलब हारने की गारंटी, ये कांग्रेस वालों को जब समझ में आएगा, मुझे लगा था कि खड़गे जी अभी बड़े नेता है, बुजुर्ग नेता है, बड़े अनुभवी नेता है, उनको अध्यक्ष बनाया, लेकिन वो बन गए तो कांग्रेस ने नहीं बनाया, तो वो अभी भी कांग्रेस से बोलते कि राहुल गांधी ने बनाया, तो इससे परिवारवाद से वो बाहर आएंगे नहीं जब तक, तब तक इस प्रकार से राहुल गांधी की गारंटी के लिए उनको शुभकामनाएं। राहुल गांधी की गारंटी की उनको शुभकामनाएं, क्या बात है साहब, वंडरफुल वनमो या बोलिए पेशकर साहब। मगर आप देखो कि तेलंगाना में सरकार इमीडिएटली फॉर्म भी हो गया, चीफ मिनिस्टर इमीडिएटली वुमन बस राइड फ्री कर दिया, आज सीएम खुद तेलंगाना के सीएम लेडीज के साथ वो फ्री राइड में दिखा दिए, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि हमने आज से फ्री राइड फॉर वुमन अक्रॉस तेलंगाना कर दिया। वहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सीएम वो कह रहा कि 50,000 लोन जो स्मॉल बिजनेसमैन को दे रहे हैं उसमें 50% सब्सिडी सरकार विल बेयर, तो यू नो उनके गरीब कल्याण स्कीम्स आर स्टिल वर्किंग। पेशकर साहब गरीब कल्याण स्कीम आर स्टिल वर्किंग, और जो कर्नाटक में अलग अलग योजना किए थे दैट इज वर्किंग, जैसे शक्ति योजना, अन्नभाग्य, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, ऑल दीज स्कीम्स आर वर्किंग। पेशकर साहब उनका गरीब कल्याण स्कीम्स है तो आप नकार थोड़ी सकते हो उसको, दे आर वर्किंग। पेशकर साहब नहीं नहीं नकारने की बात नहीं है, बिल्कुल नकारने की बात नहीं है, लेकिन मोदी जी का जो स्कीम है वो उन्होंने वहां इम्प्लीमेंट किया था क्या? सब है, सब कॉपी मारने की बात चल रही है। मोदी जी का प्रधानमंत्री आवास योजना देखो, आयुष्मान भारत देखो, जो अन्न वस्त्र निवारा हम जिसे कहते हैं, वो जो बेसिक चीज है उस पर ध्यान दिया है मोदी जी को। 140 करोड़ लोगों की चिंता है, 140 करोड़ परिवारजन का ख्याल रखने की बात है, और कांग्रेस का जो रेवड़ी वाटप कार्यक्रम है वो चुनावी कार्यक्रम है। आपने जो कहा कि हर एक स्कीम अभी चल रही है तो ये बाकी इलेक्शन है इसके लिए, इसका बोलबाला उनका है, लेकिन असल में कितने लोगों को मिला, असल में हुआ क्या, इसका रिपोर्ट आएगा थोड़ी देर में, थोड़े दिन में आएगा, फिर देखते हैं कि एक्चुअल वहां पर घोषणा है या इम्प्लीमेंटेशन है। आप उज्ज्वला का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, आयुष्मान का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, उसके साथ साथ मातृवंदना योजना का देखिए, तो किसान सम्मान निधि का देखिए, ये सारे चीज का इम्प्लीमेंटेशन आपके वेबसाइट के डैशबोर्ड पे दिखता है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, हर योजना का मोदी जी का डैशबोर्ड है वेबसाइट पे, और उस पर आपको पूरा के पूरा कच्चा चिट्ठा देखिए, मुद्रा स्कीम का देखिए पूरा उस पर है, SC ST को कितना दिया, महिला को कितना दिया, शिशु तरुण और किशोर तीनों योजना में कितने कितने डिसबर्समेंट किए, किस बैंक ने किए, पूरा रिपोर्ट ओपन है आप देख लीजिए। अगर ऐसा है सब कुछ होने के बाद भी ये देखना नहीं है, और वहां पर जो सिर्फ घोषणा की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता नहीं है वही बताएंगे, तो हमें लगता है कि सच्चाई जानने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। प्रदीप पेशकर साहब एक आखिरी सवाल। हाँ सर, मैं चाहूंगा आप कमेंट करें इस पे, अगर करना चाहें तो आपका कमेंट, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप इस पे? एक कांग्रेस के बड़े मतलब फेमस MP बन गए हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया है, तो जबरदस्त, जिनको कोई जानता भी नहीं था पहले, कोई धीरज साहू करके साहब हैं, जिनके घर से 200 करोड़ रुपए मिले हैं कैश में, अभी भी काउंटिंग चल रही है, अभी तक 240 करोड़ हो गए, दो मशीनें काउंट करते करते खराब हो गई, और घर पे पड़े थे उनके पास पैसे, मतलब 200 करोड़ रुपए घर पे, मतलब इसके बारे में कुछ बताएंगे सर आप? कौन कहता है कि भारत गरीब देश है? आपके पास नहीं, भारत तो गरीब देश नहीं है,
गडकरी जी ने एक बार बात कही थी, श्रीमंत श्रीमंत लोगों का गरीब देश, ऐसा मराठी में बोला था, मतलब अमीर लोगों का गरीब देश जी। तो ये मतलब अमीर देश के अमीर नागरिक, ये इस पर बदलना है मोदी जी को, और इसीलिए ये सब चल रहा है। इतने दिन इकट्ठा किया माल, अभी उस पर नजर पड़ी है मोदी सरकार की, और ये सब निकल गया। आपके पास 200 करोड़ का फिगर है, मेरे पास 230 करोड़ का है। नहीं, 240, अभी अभी 240 हो गया सर, देखा बढ़ते जा रहे हो गए, अभी कल तक 200-300 हो जाएगा, और अभी दो तीन और ठिकानों पे रेड करना है। बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसा ही होगा जो मोदी जी ने जो घोषणा की थी जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसके साथ साथ ये भी किया था कि जो भी इंडिपेंडेंट एजेंसियां है, उन एजेंसियों को उनके एक्ट के मुताबिक उनको जो अधिकार घटना ने दी है, उनके स्थापना के जो जहां पे उनका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ उससे जो अधिकार उनको मिला है, वो पूरा का पूरा यूज करने की लिबर्टी मोदी जी ने उनको दी है। और हम लोग विरोधियों से क्या सुनते हैं, अभी CBI, ईडी, इस प्रकार से और क्या दो तीन एजेंसीज है, तो उनको जानबूझकर इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रकार से। अभी देखो, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, TN सेशन हमारे निवडणूक चुनाव आयोग के प्रमुख रहे हैं, तो TN सेशन जी ने इलेक्शन रिफॉर्म्स लाए, तब जाके हमको पूरे भारतवर्ष को ये मालूम पड़ा कि चुनाव आयोग इतना इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होता है। तब मालूम पड़ा कि चुनाव आयोग कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर सकता है, इस प्रकार से चुनाव में हम कुछ भी बोलेंगे नहीं होता है, किसी के भी घर पर पर्चा चिपकाएंगे नहीं हो सकता, ये सारा पूरा रिफॉर्म उन्होंने कर दिया। जो हमारे हमारे जो जो क्या गुनाह जो है वो सब कच्चा चिट्ठा उसमें देना पड़ेगा, बैलेंस शीट देनी पड़ेगी, हमारी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, ये सारा रिफॉर्म जेशन जी ने जब किया, तब से हम उसमें हम अच्छा लगने लगा कि ये अच्छा है। अभी ये सारी इंडिपेंडेंट एजेंसियां इसी प्रकार से स्वायत्त है और इसी प्रकार से वो इंडिपेंडेंट काम करेगी, और 4-5 साल के बाद देखिए हर कोई नागरिक बोलेगा कि यस, दिस शुड बी द प्रोसीजर ऑफ इंडिया। तो इसी प्रकार से डरना तो चाहिए, आज तक तो आप CBI से भी ना डरते थे, आप ईडी से भी नहीं डरते थे, आज डरना शुरू हुआ है। लेकिन जो पहले माल पचाया है ना, वो तो हम उगलवाएंगे ही, और जरूर मोदी जी उगलवाएंगे, इसीलिए उनकी घोषणा है न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उसी राह पर चलने वाले हम उनके सैनिक हैं। और ये 15 लाख भी शायद इनसे ही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सबको, जो 15 लाख का जो जुमला था। हाँ, उनको ले लो बोलना, कांग्रेस वालों को बोलना ये आपका ही 15-15 लाख है, ले लो अभी उसमें से। बिल्कुल, हमको तो नहीं चाहिए, हमको 15 लाख से ऊपर मिल गया है। मोदी जी से जब हमारा भारत आत्मनिर्भर बनना शुरू हुआ तब से 15 लाख से भी ज्यादा मिल गया। अभी कांग्रेस जिनको लगता है ना अभी भी मिलना चाहिए, तो उनको बोलना ये 200 करोड़ में से ले लो। बिल्कुल 240 करोड़, हाँ 240 करोड़ में से ले लो। राइट, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट टॉकिंग टू यू, एंड जाने के पहले एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अ वेरी गुड रिजल्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। बट दिस इज अमेजिंग इजंट इट, आई मीन 240 करोड़, बिल्कुल, एंड काउंटिंग, एंड स्टिल काउंटिंग, एंड स्टिल काउंटिंग। ही हैड केप्ट इट ऑल इन हिज हाउस, जॉनी गोडाउन गोडाउन सर, इतने बैंक में भी इतना नोट्स नहीं होगा जितना नोट्स डिस्प्ले किया गया। बैंक में कहाँ होते हैं, बैंक में तो कोई हर 3 दिन के बाद पैसे खत्म हो जाते हैं। इवन योर बिगेस्ट बैंक विल नॉट हैव सो मच ऑफ कैश, नेवर, एंड लुक एट द वे दे आर ऑल नीटली पैक्ड, सारे कोई प्लास्टिक में काउंटेड एंड ऑल दैट यू नो, इट्स लाइक अ केमिस्ट शॉप में वो बिन्स होता है, वो बिन्स में एक एक प्रोडक्ट रखा रहता है, तो पूरे नोट से भरा हुआ बिन्स है, नोटों से भरा हुआ बिन, अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। What did he get them for? I don't understand. What did he plan to do with them? Because usually when such money comes in, you know, somebody puts it in a Benami trust or puts it in some company or the other and you know, starts to buy land or something. This guy decided to keep cash. I'm sure he must be going and opening his cupboards and looking at them and feeling very happy. You know, he's got 240 crores. Amazing. Unless, of course, it's the party's money. Unless, of course, it's not his own money. Unless it is somebody else's money and he was just the caretaker.
That's a very real possibility. But the only thing is that has brought a very bad name to the Congress. This is all that the Congress needed. I mean, this is terrible. This is, by the way, exactly what happened just before the Punjab elections. That Mr. What was his name? Chief Minister Channi. Channi. There was a raid on his brother-in-law's house, and they found loads and loads of cash in Punjab. That really helped Mr. Bhagwan Mann to win the elections. I think, considering the history of Jharkhand, the discovery of so much of cash, etc., it doesn't really matter very much, by the way, in terms of politics over there. So, but still, 240 crores, and they're not finished yet. If you have at least like 50 aur log aise mile, jiske paas itne paise hain, ji, the lot, look at the volume that you're looking at. Sir, 240 crores, agar aap dekhe hain. मैं कहता हूँ हरे को अगर 5-5 लाख रुपए भी मिल जाए तो खुद देखिए कितने लोगों को मिले 5-5 लाख रुपए अगर एक एक, एक आदमी शख्स में बांट दिए जाए तो कैन यू बिलीव हाउ मच मनी पीपल विल गेट आई मीन दैट्स अमेजिंग यू नो द माइंड बॉगल्स दिस इज क्रेजी एब्सोल्युटली क्रेजी आई डोंट रियली नो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर यू नो ओवर 1000 पीपल 1200 पीपल विल बिकम वेरी रिच 1500 पीपल विल बिकम वेरी रिच एंड इफ इट्स 240 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100 That 240 multiplied by 100, that's 24,000 lakhs. So even if one person gets a 1 lakh, so you give 1 lakh rupees to one person. So that's 24,000 people. Sir, actually, I was just watching some old program of Ram Jethmalani. Ji. Where he says that, you know, he had discussed along with a group with two Mr. Modi that ye bahar ke dhan hai aap le aao. Aur wahan par aapas mein discussion ho gaya tha ki यू नो इनफॉर्मली कि इतने पैसे अगर वापस आ गए तो हर व्यक्ति को 15 लाख मिलेगा 15 से 20 लाख मिलेगा बट नाउ जिस प्रकार देश के अंदर ही इस तरह नोट पकड़ा जा रहा है सर एंड देयर इज अ नए नोट है नोटबंदी तो हुआ था उसमें देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ मनी कमिंग टू द आरबीआई अकाउंट आई थिंक आवर नेक्स्ट गेस्ट मिस्टर सुरेश चंद्र राजन ऑफ द कांग्रेस इज अनअवेलेबल एट द मोमेंट ही इज नॉट पिकिंग अप हिज फोन आई वंडर व्हाई ही नेवर डज दैट सो आई होप ही इज ऑलराइट ही यूजुअली नेवर एवर डज दैट So I really hope he's all right. Or maybe he doesn't want to face the embarrassment of defending the Congress after the defeat in Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. But then I don't know why the Congress is so disheartened. They won Telangana, for God's sake. You have won in Karnataka, you won in Telangana, you won in Himachal Pradesh. Teen jagahon par aapki khud ki sarkar hai. That's big. For a party which had nothing. I mean, Modi ji ke aane ke baad har jagah se gayab ho gayi thi Congress, agar aap dekhen to. But sir, they are fighting back. You know, if you look at Telangana CM, probably immediately he is fulfilling the promises that is given. The guy is full of energy. I mean, jo naye youth talent jo Rahul Gandhi khod ke nikale hain, they are full of energy. Ab even if you talk about Siddaramaiah and DK Shivakumar, jo jis prakar se this challenging, they said ye sab yojana, Shakti Yojana, Anna Bhagya, Griha Jyoti, Griha Lakshmi, ye sab humne fulfill kiya hai. We have fulfilled the promise. Don't tell that the Karnataka government has not fulfilled the promise. They have done it. अब हिमाचल में देखिए हिमाचल स्मॉल बिजनेसमैन को 50,000 रुपीज जो लोन दे रहे हैं उसमें सब्सिडी 50% सब्सिडी सरकार इज गोइंग टू बेयर सो दे आर नॉट गोइंग बैक ऑन देयर वर्ड्स बट प्रॉब्ली सम स्ट्रेटजी दे फेल्ड टू मोबिलाइज जो लास्ट लैप है मोदी साहब ने हिंदुत्व के एजेंडा चलाकर वो पूरे तीनों स्टेट में खींच लिया वहां पर ये जरा चाहिए था देयर शुड हैव बीन मोर आउटरीच सबसे बड़ी बात यह है राहुल गांधी जी की तरफ से बाकी कांग्रेस की तरफ से There should have been more outrage and they should have repeated there will be zero tolerance for extremism of any kind. Koi fanaticism ke liye zero tolerance hogi. Koi agar is kisam ka kaam karega, bale hume bulldozer chalana pada, hume goliyan chalani pada, hum chalayenge. Aisi agar koi baat hoti, to ho sakta hai ke aaj Congress chunav jeeti hui hoti. Sir, very frankly. What you're saying is perfectly right. In Rajasthan mein jab last lap mein, J.P. Nadda, Amit Shah ji and Narendra Modi ji, they were highlighting the case of Kanhaiyalal ji ki sartan se juda the congress should have come up with some statement that we also denounce this kinds of terror we have taken action har bunch par unko chilana tha their silence gave a tactical in fact they should have message to the whole state of the Rajasthan that aap virodh nahi kar rahe aap isko denounce nahi kar rahe that means you tactically support this kind of activities And then जिस प्रकार से not only Kanhaiyalal they talked about PFI को जिस प्रकार से Congress is supporting they alleged totally नाम लेकर के CM is totally giving them protection is giving protection to PFI
उनके हर रैलीज को पूरे पुलिस बंदोबस्त, पुलिस समर्थन, गवर्नमेंट का सपोर्ट है. सो दीस लास्ट लैप में जब हर मंच पर द बिग थ्री वर टेकिंग अप दिस इश्यूज, वी डिडंट फाइंड द सीएम गहलोत टॉकिंग अगेंस्ट देम, इसको जस्टिफाई नहीं करना या इसके विरोध में बात करना. सो इनडायरेक्टली द मैसेज वॉज गोइंग ऑन दैट फॉर मुस्लिम अपीसमेंट, जो तुष्टिकरण के बाद मोदी जी हमेशा बात करते रहे हैं, यू आर दैट स्टैंड जस्टिफाइड. जो मोदी साहब के चार्ज है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण, तो इट्स स्टक बिकॉज दे डिडंट वांट टू टॉक अबाउट. एज यू ऑलवेज से राहुल गांधी जी का, राजीव गांधी जी जो राम मंदिर के लिए किया था, अगर यही बोलते कि हमने भी किया है, बट दे वर एक्चुअली दे डिडंट वांट टू टॉक अबाउट. प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फैजाबाद के, उस वक्त अयोध्या फैजाबाद में आता था, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट अब बना है वापस, फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अगर हुक्म नहीं दिया होता कि बाबरी मस्जिद की, अभी राम मंदिर, उसकी, उसके किवाड़ जो है वो खोल दिए जाए, और जो भी आरती अगर वहां पर जाकर के आरती में शरीक होना चाहता है हो सकता है, क्योंकि ये बात देख लीजिए, 1948 से कभी ऐसा कोई टाइम नहीं आया जब बाबरी मस्जिद के चबूतरे के पास आरती नहीं होती थी. सीधी सीधी बात है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ फैजाबाद सेड दैट एनीबडी कैन गो इन एंड द गेट्स वर ओपन, एंड दैट बाय द वे इज व्हाट लेड टू द राम मंदिर बीइंग कंस्ट्रक्टेड टुडे एंड इट विल बी कंप्लीटेड ऑन January 22, 2024. दैट वॉज एन इवेंट विच टुक प्लेस व्हेन अरुण नेहरू वॉज द मिनिस्टर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, दैट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम इन राजीव गांधी कैबिनेट. तो मेरा ये कहना है कि राइटफुली स्पीकिंग कांग्रेस को तो इसके लिए क्रेडिट लेना चाहिए, और कांग्रेस की सरकार थी प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात ये. एग्जैक्टली, वीर बहादुर सिंह साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो आपको तो सबसे पहले क्रेडिट लेना चाहिए वहां पे, ये बोलना चाहिए ये तो हमने करवाया है. और 1989 में, अरे भाई, जो साथ वाली लैंड है हनुमानगढ़ी के, सब बिल्कुल साथ वाली जो लैंड है हनुमान अखाड़े के बिल्कुल साथ 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 में जो जमीन है, उसको आपने टेक ओवर किया, और वहां पर जाकर के एक प्रॉपर वहां पे भूमि पूजन हुआ है राम मंदिर के लिए ड्यूरिंग राजीव गांधी टाइम. तो एंड विद द गवर्नमेंट हेल्प, मिस्टर बूटा सिंह हु वाज द होम मिनिस्टर एट दैट टाइम, ही अरेंज फॉर एवरीथिंग. सो माय पॉइंट इज, व्हाई इज द कांग्रेस कॉय और शाय अबाउट टॉकिंग अबाउट इट्स ओन अचीवमेंट्स. यही बात कल हमारी हो रही थी साहब कांग्रेस के लोगों के साथ. आप खुद आपको खुद को बताना पड़ेगा ना लोगों को, जैसे राकेश शेट्टी साहब हैं, वो बता रहे थे किसके बारे में, कश्मीर के बारे में. अरे कश्मीर के बारे में आप अगर अपने बारे में नहीं बताएंगे तो बीजेपी वाले तो बताने वाले नहीं है. बीजेपी इज नॉट गोइंग टू कम लॉन्ग एंड प्रेज मिस्टर नेहरू एंड से नेहरू वाज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर, कौन बोलने वाला है? तो आप ही को बोलना पड़ेगा ना. सीधी साधी बात है, आपका काम कोई विपक्ष का शख्स क्यों करेगा, आपको करना पड़ेगा. सीधी बात है सर, इफ यू गो टू द एंटायर थिंग, जिस प्रकार से मोदी जी गिना रहे थे कितने मंदिर का कितना हमने ढंग से कर दिया, मथुरा में जाके जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमने मथुरा को हम लोग भव्य बनाएंगे जी, तो आई मीन इफ यू गो थ्रू ऑल दीस थिंग्स, दे वर वर्किंग ऑन अ टोटली प्लान्ड स्ट्रेटजी. द बीजेपी वाज डूइंग अ प्लान्ड स्ट्रेटजी ऑन द लास्ट लैप हिंदुत्व कैंपेन, लास्ट लैप को एग्रेसिव हिंदुत्व. जैसे प्राइम मिनिस्टर मथुरा इन द मिडस्ट ऑफ द कैंपेन ही गोज टू मथुरा जी, मथुरा में कहते हैं कि ब्रज भूमि को न्याय मिलेगा, ब्रज भूमि को भव्य बनाएंगे, जैसे काशी विश्वनाथ को भव्य बना दिया, उज्जैन महाकाल को भव्य बनाया, केदारनाथ को भव्य बना दिया, अयोध्या को भव्य बना रहे, अयोध्या के भव्य बना रहे, और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि उतना ही भव्य हम बना देंगे ब्रज भूमि को. नाउ दिस वाज अ लास्ट लैप एग्रेसिव हिंदुत्व पिच व्हिच द कांग्रेस फेल्ड टू अंडरस्टैंड. लेकिन प्रदीप जी यहां पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ना बीजेपी के पास, बीजेपी ने करके दिखाया है ना, करके दिखाया. अब आप सामने से अगर कांग्रेस एग्री, देखिए साहब आर्ग्यूमेंट भी करती है, तो अब ये आर्ग्यूमेंट तो वो ये नहीं कर सकते कि हम लोगों ने राम मंदिर बनाया. कांग्रेस आर्ग्यूमेंट ये नहीं दे सकते कि हम लोगों ने राम मंदिर बनाया, नहीं बनाया आपने. आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते कि महाकाल कॉरिडोर आपने बनाया, नहीं बनाया. काशी विश्वनाथ का सुधारीकरण किसने किया है? बीजेपी ने किया है, यानी बीजेपी सरकार ने किया है, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है उसने किया है. सीधी साधी बात है. और सबसे पहले एक बार फिर बहुत फोकस तरीके से भाई कृष्ण जन्म स्थान के ऊपर तो हम लोगों ने पूरी कैंपेन करी है. मैं आपको बता सकता हूं द काइंड ऑफ कैलसनेस, द काइंड ऑफ दी हॉरेबल मैनर इन विच द कृष्ण जन्म स्थान और कृष्ण जन्मभूमि यूज्ड टू बी इग्नोर्ड बाय सक्सेसिव कांग्रेस एमपीज एंड गवर्नमेंट्स. दे नेवर इवन यूज्ड टू टेक इट सीरियसली. दे वर सो स्केयर्ड.
of being called anti-Muslim. They were so scared of being called non-secular. अरे इसमें सेक्युलरिज्म की बात कहां से आ गई प्रदीप जी? अरे मंदिर है, श्री कृष्ण का मंदिर है, मथुरा में श्री कृष्ण का मंदिर नहीं होगा तो कहां होगा सर? आप मुझे बताइए, लाहौर में होगा सर, इस्लामाबाद में होगा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मतलब क्या होगा? ये सवाल ही नहीं उठता, हद होती है। अरे कृष्ण जन्म शान मंदिर है, वहां पे सबको मालूम है कि वहां पर भी राजा मानसिंह ने पूरा भव्य एक मंदिर बनाया था। फिर उसके बाद ऑर्डर दिए गए औरंगजेब द्वारा कि ये 5 मंजिल का जो मंदिर है इसको तोड़िए, ये 3 मंजिल का बनाइए, बिकॉज इट कैन नॉट बी अबव द मॉस्क। तो तोड़ा गया। मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है साहब। जो कृष्ण जन्म स्थान है, कृष्ण जन्म स्थान की जो भूमि है ऊपर, वहां पर जहां पे ईदगाह है उसके नीचे जाके अग्रसेन का महल है, और ये कहा जाता है कि बीच में, यहां सब तो मैं गया हुआ हूं, कि बीच में नीचे जाकर के वो कालकोठरी है जहां पे देवकी मां ने श्री कृष्ण को जन्म दिया। और अभी तक प्रदीप जी ग्राउंड वाटर का जो बिल आता है और लैंड टैक्स जो है वो कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट देता है, ईदगाह नहीं देता है, और उसके ऊपर ईदगाह बना हुआ है। मतलब यहां तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं होना चाहिए, सीधी साधी बात है। लेकिन कांग्रेस के जमाने में, जैसे आप कितनी बार बोल चुके हैं यहां पे, कांग्रेस के जमाने में कोई भी कांग्रेसी नेता ये मतलब एडमिट करने को तैयार नहीं है, ये एडमिट करने को तैयार नहीं है कि यार तुम हिंदू हो या तुम सनातनी हो, मतलब मेरी समझ के बारे प्रदीप जी। सर जिस प्रकार से अभी नाउ अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स जी, आप राम जन्मभूमि देखो, ही इज द गॉड ऑफ द एवरीवन ऑफ द यस the whole of India, whole of India, that's right, Krishna ji is the god, revered god of revered by the whole world, the whole world, whole that's world. Right, and what are we seeing? They are under captivity, abhi bhi captive hai ji, they are still under captivity ji. And it is but natural that jo andar se jo suppressed egos hai usko to bahar nikalne wale hai, aaj bhi hamara bhagwan qaid mein hai, he is under captivity, both the gods are under captivity. Ram Janmabhoomi, राम पुन जो पुनर्निर्माण जो हुआ, जो बार बार मोदी साहब द लास्ट पिच, सो बीजेपी हैज गॉन फंटास्टिकली इन द लास्ट पिच, हिंदुत्व जो बिकॉज हर मंच पे ये आंदोलन करते हुए उन्होंने कहा कि 22 जनवरी याद रखिए, मूर्ति याद रखिए, 12:22 में प्राण प्रतिष्ठा पूजा, यस पुनर्निर्माण राम प्राण प्रतिष्ठा, और वी आर डूइंग इट, एंड द कांग्रेस नेवर डिड एनीथिंग फॉर 70 इयर्स, दे वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ दिस राम मंदिर आफ्टर 496 इयर्स, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, कांग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट्स व्हाट द कांग्रेस, एंड इट वेंट ऑन विद द एंड वेंट ऑन, इट हिट द पल्स ऑफ द पीपल, इट टच द कॉर्ड्स ऑफ द हार्ट्स ऑफ द पीपल। नॉट ओनली दैट प्रदीप जी, आज दूसरी बात क्या है, सिर्फ राम मंदिर से ही ये काम नहीं हुआ, otherwise also BJP has not performed badly, let's be very clear, in terms of the economy in India, in terms of everything else. Ab theek hai, as we have discussed it right over here, jaise aapka rafal wala jo pura campaign tha, kisi ne na mana na suna na kisi ko samajh aaya, na kisi ko samajh aaya, wahi adani ke khilaf aap abhi jo baat kar rahe hain, zor zor se chilla rahe hain, sabko kisi ko samajh mein nahi aa raha sab, kisi voter ko samajh mein nahi aa raha, usko ye dekhna hai, acha airport hai kiska, adani ka hai na, lekin एयरपोर्ट इज फंक्शनिंग वेल सर, इज इट अ गुड एयरपोर्ट? जस्ट सुना हो प्रदीप जी, इट हैज बीन वोटेड वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स इन एशिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द मुंबई एयरपोर्ट। राष्ट्र सुरक्षा राष्ट्रवाद पे मोदी जी को चैलेंज नहीं कर सकते जी, पीपल आर नॉट रेडी टू हियर एनीथिंग ऑन दीस इश्यूज अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, बिकॉज दे बिलीव जो मोदी साहब ने किया है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट स्ट्राइक हो या एनी ऑफ दीज थिंग्स दैट इज रिसेंटली हैपनिंग, अननोन असाइलेंस, अननोन हैंड किलिंग द टेररिस्ट अक्रॉस द बॉर्डर्स फ्रॉम वेयरएवर दे हाइडिंग, नाउ नेशनल सिक्योरिटी पे आप कुछ भी उठाओ, नोबडी इज गोइंग टू ट्रस्ट यू, दे बिलीव प्राइम मिनिस्टर मोदी के डोंट हैव अ बेटर लीडर व्हेन नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, क्योंकि आपका जो 10 साल का रिकॉर्ड है वो सामने है ना सब, बिल्कुल सर, 2611 यू नेवर रिटेलिएटेड सर, द होल कंट्री वाज वेटिंग फॉर अ रिटेलिएशन प्रदीप जी, 2004 से लेकर के 2014 तक आपको और मुझको, खुद को, दोनों को याद है कि कैसे हर दूसरे महीने में कहीं ना कहीं कोई आतंकवादी हमला होता था, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट हो रहा है, वो लाल मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, अक्षरधाम में ब्लास्ट हो गया, वहां पे टेररिस्ट घुसाए, मतलब दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया पे ब्लास्ट हो गया, भिंडी बाजार में ब्लास्ट हो गया, अपना जो जवेरी बाजार है वहां पर ब्लास्ट हो गया, ये क्या है? इट वाज लाइक रैंडमली हैपनिंग एवरीवेयर, जहां चाहिए बॉम्ब ब्लास्ट कर दो,
एंड सर 26/11 में जिस प्रकार से रिकॉर्डेड हम लोग देख रहे थे और लाइव ऑन टेलीविजन, वहां पाकिस्तान में बैठ के वो आतंकवादी हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बोल रहे इधर से हटाओ, वहां से हटो, यहां से चलो, ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एंड द होल कंट्री वॉज वॉचिंग इन एब्सोल्यूट ह्यूमिलिएशन कि क्या चल रहा है, एंड व्हाट वाज आवर रिटेलिएशन, नथिंग, हम रिपोर्ट पे रिपोर्ट दे रहे हैं, जीरो. दैट इज इट्स अ कमिंग बैक टू राम जन्मभूमि. नाउ you talk about this as an event, why should the BJP not take credit for that? 550 saal ke baad ram bhagwan ram jo aur captivity mein the wo captivity se nikal ke to who will not celebrate it, the whole in, why will the BJP not celebrate it? It is the whole nation is going to celebrate it, the whole world is going to celebrate it. Babar ne toda aur 550 saal lage फ्री करने के लिए भगवान राम को अपने ही देश में अपने ही मंदिर से. नाउ दैट इज द ग्रेटेस्ट ह्यूमिलेशन. नाउ दिस इज व्हाट द हिंदूज विल थिंक इज अ ह्यूमिलेशन, दैट 70 इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस दे हैड टू वेट. नाउ व्हेन आरएसएस चीफ सेज और वेन द हिंदू वन हिंदू लीडर सेज दैट जिसको पाकिस्तान चाहिए था वो चले गए, द इंटरेस्ट ऑफ देयर लाइट देयर, सो हाउ कैन यू होल्ड the gods, the my point captivity no but for Pradeep 70 ji, long years. But Pradeep ji, the fact remains that as far as the Congress is concerned, Congress ko bhumika banani padegi na apni, ki hum logon ki ye bhumika rahi hai bhai. Agar aap bhumika hi nahi banayenge to logon ko malum kaise padega? Seedhi saadi baat hai. You have to build a background especially with regard to security. Ye jo bolte hai na bhai, 1971 war mein hum log jeete, हम लोगों ने किस प्रकार किस प्रकार हम लोगों ने बांग्लादेश बनवाया, ये किया, वो किया. अरे भाई बनाया, लेकिन उसके बारे में बताइए तो सही, लोग भूल गए हैं. देयर आर फोर जनरेशन, चार जनरेशन आ चुकी है, उन सबको मालूम नहीं है इसके बारे में कि याया खान कौन था. थैंक गॉड फॉर मूवी कॉल्ड सैम बहादुर, लोगों को याद आना शुरू हो जाएगा कि 1971 वॉर भी थी. अरे भाई, माई पॉइंट इज द कांग्रेस शुड रियलाइज Your opponents are not going to work for you. आपके जो आपके जो विरोधी हैं, वो आपके लिए काम नहीं करेंगे. वो हार्डकोर है और वो लास्ट पिच जो लास्ट लैप थे हिंदुत्व को किस प्रकार से प्लेस करके एग्रेसिवली परस्यू किया. And I'll tell you that is where the Congress failed. And the only problem is I still have my suspicions. But anyway, since I don't have a dog in the fight. Let's be very clear. I'm not in the BJP. I'm not in the Congress. And none of them is paying me. Let's be very clear. So why, you know, why should I go out on a limb and try and tell everybody exactly what's going on? But the fact remains that people don't want pensions. People do not want the cheapest gas cylinder. People don't want what? 1200 rupees per month. लोगों को मुफ्त में ट्रैवल नहीं चाहिए. नहीं, आज भी सर, आज भी कांग्रेस इज कंटिन्यूइंग विद देयर गरीब कल्याण स्कीम्स. तेलंगाना में बस बैठ के वहां के सीएम रेडी महिलाओं के साथ बोल रहे कि देखो मैंने इंप्लीमेंट कर. राइट, एंड एट द मोमेंट विद अस फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी वी हैव अ वेरी डियर ओल्ड फ्रेंड मिस्टर नाजर हुसैन. नाजर हुसैन साहब, लवली टू हैव यू विद अस, दिस इज अ ग्रेट प्लेजर. नाजर साहब सर, नमस्कार. नमस्कार, नमस्कार. तो मिस्टर रेवान रेड्डी हैज डन इट. रेवान रेड्डी साहब ने करके दिखा दिया साहब, कमाल हो गया, ये तो जबरदस्त है. मतलब वो आज वो महिलाओं के साथ गए बस के अंदर, दिखा दिया उन्होंने कि देखिए साहब, मुफ्त में इंप्लीमेंट कर दिए, मुफ्त में महिलाओं को ट्रैवल करने को मिलेगा. दैट इज फैंटास्टिक, ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस. और हिमाचल प्रदेश में भी. एंड ऑन द अदर हैंड, बीजेपी अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि उनके मुख्यमंत्री कौन होंगे. नाजर हुसैन साहब 3 स्टेट में जीत के आए हैं, अभी तक मुख्यमंत्री का नाम सामने नहीं आया साहब. बेशक 3 स्टेट को आज लास्ट 1 वीक होने जा रहा है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे. इनकी नाकामी है, इनके पास इतने उलझने कि ये किसे बनाए, क्योंकि पूरी इलेक्शन मोदी जी के फेस पे लड़े. तो आज जनता के बीच में जनता के लिए सवाल नहीं उठा रहे, अभी सीएम बनाने के लिए इतनी परेशानियां हैं, तो जनता के परेशानियों को कैसे दूर करेंगे ये सोचने वाली बात है. आपने कहा तेलंगाना की, तो यही कांग्रेस पार्टी है, जो कहती है वो करती है. उसने वादा किया तो वो वादे को निभा रही है. उसने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, फैसले लिया और डिसीजन को जो भी है इंप्लीमेंट करने का काम किया. अभी हमारे भारत की सरकार हो, मोदी जी हो, चाहे और इनके, अभी तक ऑब्जर्वर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं 3 राज्यों में भेजने के लिए. ऑब्जर्वर डिसीजन लेंगे, फिर वो दिल्ली आएंगे. तो ये सब एक ड्रामा है जो आला कमान उनकी है, फैसला कर चुकी होगी कि उसे बनाना है. ये सिर्फ दिखावा है
ये टाइम ऑफ वेस्ट है, जनते का टाइम बर्बाद हो रहा है, जनता का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके वादों को कैसे पूरा करना है। सरकार एक बार रूप में आ जाए जो इनकी मैनिफेस्टो है उसके पर हम भी इनसे जवाब करें, इनसे सवाल करें कि क्या हुआ है, आपने जो वादा किया महिलाओं को मैं इतने हजार रुपया महीना दूंगा, कितना पैसा ट्रांसफर हुआ वो देखना है, 500 में सिलेंडर का आपने वादा किया है, क्या आवाम को 500 में मिल रहा है, ये उनसे सवाल करना है। क्योंकि हमने जनता से वादा किया, वो हम जहां वादा सरकार में है उस वादे को निभा रहे, मगर ये आज भी देख लीजिए तो राम मंदिर 370 390 पता नहीं कौन कौन से सवालों में अटके हैं, आवाम के लिए चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप संसद के अंदर खड़े होकर नेहरू जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जबकि आप बताइए जब इस दुनिया इस जब 1947 में ये तीन देश आजाद होता है, मैं कश्मीर को भी एक देशी बोलता हूँ क्योंकि उस समय वो भारत का हिस्सा नहीं था, एक तरफ पाकिस्तान आजाद हुआ, एक तरफ कश्मीर आजाद हुआ, दूसरी तरफ हिंदुस्तान आजाद हुआ, आज वो संसद के अंदर खड़ा होके वो इस तरह से पंडित नेहरू को बदनाम करने का काम किया। अब मुझे दुख इस बात का भी है कि हमारे लोगों ने उस वक्त उस बात का ऑब्जेक्शन नहीं लिया, मुझे हैरानी होता है इतने सीनियर वहां पे पार्लियामेंट्री बैठे हैं और उन्हें क्यों नहीं बात का नॉलेज था, क्या पाकिस्तान के जो कबीलाई है वो हिंदुस्तान के रहते हुए इंटर हुए हुए थे या कश्मीर आजाद से बाद में आए, उनको इसके बारे में बताना चाहिए। 370 के बारे में जब भी चर्चा करी एक बार, क्योंकि टाइम कम है मैं थोड़ी जल्दी जल्दी बोल के बात खत्म करूंगा, क्योंकि 370 की जब भी बात आएगी तो 370 हमारे किसने दिया था ये उनसे पूछना पड़ेगा, संसद के अंदर उनसे सवाल करना होगा, कश्मीर जब आजाद हुआ वो कब आजाद हुआ, कब उनकी सेना आई, ये हमको उनसे सवाल करना पड़ेगा। इसके ऊपर जब तक ये इस सवालों का जवाब उनकी तरफ से नहीं आएगा, इस देश को लोगों को मालूम नहीं होगा, क्योंकि देश के लोगों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। हरी सिंह ने एक स्टैंडिंग बिल एग्रीमेंट साइन किया था मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, वही वो स्टील स्टैंडिंग एग्रीमेंट हिंदुस्तान के साथ भी भेजा था, जो स्टील स्टैंडिंग एग्रीमेंट था जिन्ना ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्हें मौका मिल गया एक साल में किस तरह से हमें इंटर करना है, क्योंकि वो अपना एक अलग देश चाहते थे, वो हिंदुस्तान के साथ आना नहीं चाहते थे। आखिर ये कश्मीर के सबसे बड़ा कोई कसूरवार है तो हरी सिंह जी है, और हरी सिंह जी का नाम लेने में क्यों डर लगता है इनको, क्योंकि इनके वोट बैंक का मामला है, बीजेपी उनका नाम नहीं लेना चाहती ताकि उनके वोट बैंक पे असर ना हो जाए। नहीं तो कश्मीर में जब उन्होंने 26 अक्टूबर को एग्रीमेंट साइन करते हैं हिंदुस्तान के साथ, तभी 27 के मॉर्निंग में हमारी मिलिट्री वहां पहुंच जाती है और हमारी सेना वहां पहुंच जाती है, जब तक पाकिस्तान के आर्मी और कबीलाई हमारे 60% कश्मीर को कब्जा कर चुके थे, ये बोलते ना और नासिर साहब वहां पर कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता बैठे थे, अरे किसी को तो बोलना चाहिए था सर। मैं पहले ही कहा कि हमारे सीनियर पार्लियामेंट्री वहां बैठे थे, उन्हें इस बात का क्यों नहीं नॉलेज था कि कश्मीर उस समय एक अलग आजाद देश था, वो हिंदुस्तान का हिस्सा उस वक्त नहीं था। 26 अक्टूबर 1947 को जब वो एग्रीमेंट हमारे साथ और विलय पत्र पे साइन करते उस दिन से वो हमारा हिस्सा पड़ता और 27 के तारीख को वहां पहुंच जाते। आप बताएं हमारी डिफेंस कितनी उस वक्त, आर्मी हमारी एयरफोर्स इतनी कमजोर थी कि हम प्राइवेट एयरफोर्स से वहां भेज देते क्योंकि साधनों की कमी थी, और लाइट उनके कबीलाई ने आपको पता है कि वहां की इलेक्ट्रिसिटी काट दी थी, वहां पे बिल्कुल अंधेरा था, टॉर्च के लाइटों पे हमने आर्मी को वहां पे फारूक शेख अब्दुल्ला ने हो वहां के लोकल आवाम ने उन्होंने सपोर्ट किया, तब आर्मी वहां पे जाके आप कब्जा करिए और उनको पीछे तक भेजा। पाकिस्तान को एक हमेशा आप देखिएगा एक फायदा उनको मिलता है क्योंकि वो हिल के ऊपर है और हम लोग मैदानी क्षेत्र में, जब हिल पे होता है, कारगिल युद्ध आपके सामने ही है, जब भी हिल पे होते हैं उनसे लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हिल पे जब तक डिफेंस उस समय इतनी तकनीक नहीं थी, उस समय इकोनॉमिकल नहीं इतनी मजबूत नहीं थी, हम लोग फाइनेंशियल कंडीशन इतनी मजबूत नहीं थी, डिफेंस की हमारी इतनी मजबूत नहीं थी, फिर भी हमने उनके सामने मुकाबला किया। कांग्रेस ने अमित शाह का विरोध नहीं किया सर, अमित शाह का विरोध नहीं किया, नेहरू का डबल ब्लंडर, अमित शाह ने पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के बोले उस नेहरू डबल ब्लंडर, बोलिए मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं कि उनके झूठ को मैं नकाब उतार रहा हूं कि उन्होंने झूठ किस तरह से बोला, झूठ इसलिए बोला उन्होंने, आप मैं यही पूछ रहा हूं 26 अक्टूबर 1947 से पहले क्या कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, आप मुझे पूछ के बताइए, आप अमित शाह से ये सवाल करिए आप अपने चैनल के माध्यम से या उनके वक्ताओं से, क्या 26 अक्टूबर से पहले कश्मीर हमारे साथ था,
कश्मीर एक स्टील एसेंडिंग कमेटी एग्रीमेंट के थ्रू वो पाकिस्तान के साथ समझौता किया कि एक साल तक हमारे पे फैसला ना लिया जाए, हम एक अलग राष्ट्र रहेंगे, माउंटबेटन हो। आप चलिए मैं गलत बोल सकता हूँ, सबसे ऑथेंटिक किताब मैं बताता हूँ, आप मेनन साहब के मेनन साहब का आप किताब है, सरदार पटेल के सेक्रेटरी थे, उनके किताब को इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, उनके सेक्रेटरी भी थे सरदार पटेल साहब के, सरदार पटेल साहब की किताब के ऊपर तो ये उंगली नहीं उठा सकते, सरदार पटेल के ऊपर ये ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ये इन्हें अभी आजकल बहुत ज्यादा महान नेता बना रहे हैं, भी महान नेता और इनको कदमों पे चलते। तो मैं एक बार इससे सवाल करता हूँ, बीपी मेनन साहब के किताब को ही आप लीजिए, उन्होंने क्या कहा उसके अंदर, उस किताब में उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेने का कोई इरादा सरदार पटेल का था ही नहीं, नहीं था बिल्कुल नहीं, उस किताब में वो लिखते हैं। और जब भी बीपी मेनन साहब हरि सिंह के पास गए, हरि सिंह ने सबसे आसान तरीका अपनाया कि मेरे पेट में दर्द है, जाके ऊपर सो जाते थे, वो पेट का दर्द आज सर का दर्द बन गया हिंदुस्तान का, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता, हरि सिंह ने कितना बड़ा बहाना किया उस वक्त। और फिर भी अपने को सेना को छोड़ के श्रीनगर से वो कहां आ गए, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू आ गए, जम्मू अपने सेना को छोड़ दिया, क्योंकि उस वक्त की सेना हिंदुस्तान की सेना नहीं थी, पहले समझिए 26 अक्टूबर 1947 से पहले जो वहां सेना लड़ रही थी वो किसकी सेना थी, हरि सिंह की सेना थी, ना कि हिंदुस्तान की सेना थी। तो आप बताइए हरि सिंह ने उस समय किस क्यों नहीं हमारे साथ एग्रीमेंट किया, अगर एग्रीमेंट किया होता तो शायद ये कश्मीर पीओके टोटल हिंदुस्तान का होता। इसकी सबसे बड़ा नाकामी कोई है तो हरि सिंह जी है, इसके ऊपर कोई बात है तो इसमें नेहरू जी की तो योगदान है कि 26 अक्टूबर 1947 को एग्रीमेंट साइन किया और 60% से ज्यादा हमने फिर कैप्चर किया और उनको पीछे छोड़ा। उस दिन मैंने कहा था हम यूनाइटेड नेशन जरूर गए, यूनाइटेड नेशन में हम चैप्टर क्लोज 6 के थ्रू गए, ना कि 7 के थ्रू, 6 के थ्रू, हम पे कोई उनकी उनकी फैसला हमारे ऊपर बाध्य नहीं होता। मैंने उस दिन भी बताया था, फिर बताता हूँ, तो उन्हें नॉलेज नहीं है कि उस दिन तीन कंट्री था, कश्मीर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तीन देश था, उसने एक देश पे हमला किया वो कश्मीर था, जब 26 अक्टूबर 1947 को वो हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करता है तब वो हमारे साथ हिंदुस्तान का हिस्सा बनता है, हमारे आदमी की वहां पहुंचते हैं और भी हम सिविलियन एयरपोर्ट से, सिविलियन जहाज से उनको लेके जाते, क्योंकि हमारी डिफेंस कमजोर थी, ये कहने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बीपी मेनन साहब की किताब को पढ़िए तो सारी सच्चाई सामने आ जाए। मैं बोल रहा हूं पढ़ने लिखने की आदत लोगों ने छोड़ दी है, इसके वजह से ये असर हो रही है और हमारे पार्लियामेंट्री स्टाफ का जवाब नहीं दे पाए, नहीं तो उस लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक और है, यहाँ पे नादर साहब, वीपी मेनन साहब अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने जब लेटर ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया उन्होंने अपने सेक्रेटरी से बोला अगर सरदार पटेल या वीपी मेनन यहाँ पर नहीं आया कल इसको उठाने के लिए और हिंदू फौज हिंदुस्तानी फौज अगर यहाँ पर नहीं आती तो ये मेरी रिवॉल्वर, ये मेरी रिवॉल्वर पर ये ड्रॉर में मुझे गोली मार देना, ये महाराजा हरि सिंह का है। वीपी मेनन रिकॉर्ड ये कहां पे, ये ये एक लाइन आप और ऐड कर दीजिए, इन्होंने ये जवाब ये कहां पे बोला, जम्मू में आकर बोला, जम्मू में नहीं बोला, नॉर्थ श्रीनगर, श्रीनगर से ये रनवे हो गए, अपनी सारे धन दौलत सब लेके वहां से, हम ये इवन अपने कुत्तों को लेकर चले गए, वहां के आवाम को लवारिस छोड़ दिया, वहां के आवाम को देखने का। श्रीनगर एयरपोर्ट वॉज प्रोटेक्टेड बाय, एज यू सेड, श्रीनगर एयरपोर्ट, ये सुनने वाली बात है साहब, नासिर साहब आपने बोला लेकिन लोग मिस कर जाएंगे, मैं इसलिए दोहरा रहा हूं आप ही की बात को। प्रदीप जी, शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी इंडियन सपोर्टर्स जितने भी थे उन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करके रखा जब तक भारतीय फौज वहां पर नहीं पहुंची। जी अपना साहब आप बोलिए, ये भी ऐड करिए, टॉर्च के रोशनी से वो अपने आर्मी की सपोर्ट कर रहे थे और गाड़ियों की बैटरी और गाड़ियों के लाइट वाइट के साथ। जी हाँ बिल्कुल, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, कुछ भी वहां नहीं था, कितनी मुश्किलात थी वहां पे। तो 370 उस वक्त अगर 370 हम लोग उस शर्त पे नहीं आते तो शायद ये कश्मीर हाथ से निकल जाता। उनको इस नहीं समझ में आता, इस संविधान सभा में जो बिल पास होता है और उसके संविधान सभा के हिस्से कौन कौन थे, फारूक अब्दुल, शेख अब्दुल्ला साहब थे, मिर्जा बैग साहब थे, एक और कश्मीर के एक शख्स थे उनका नाम मुझे याद नहीं आता, देवीदास ठाकुर भी थे। हाँ तो तीन लोग थे वहां, मिर्जा बैग और शेख अब्दुल्ला, एक नाम आपने लिया शायद, वो भी मुझे नाम इस वक्त मैं भूल गया अचानक, आप क्योंकि मैं ट्रेवलिंग कर रहा था नागपुर के लिए, आपका फोन आया मैं ज्वाइन कर रहा, क्योंकि कल मैं परसों मुझे अधिवेशन में वहां इस वक्त तो मैं नागपुर में रहूंगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक।
तो खैर ये तो कश्मीर की बात हो गई, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, मैं हजार बार बोल चुका हूँ कि नासर साहब जैसे शख्स को भारतीय लोकसभा में होना चाहिए। कांग्रेस उनको क्यों नहीं भेज रही मुझे मालूम नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से भरसक कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, बाकी जितने भी आपके लोग हैं, केसी वेणुगोपाल जी, आपके लिए वहां पे सिफारिश करें कि भाई नवी मुंबई से या जहां मर्जी से आप खड़ा होना चाहें वहां से खड़े होइए और इस बार आप जीतेंगे जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर क्योंकि आप नागपुर जा रहे हैं तो इसलिए ये भी बता दें, ये नवाब मलिक साहब का क्या किस्सा है, वो क्या है कि अभी नाना पटोले साहब ने कहा है कि आपको नवाब मलिक से इतनी एलर्जी क्यों है, प्रफुल्ल पटेल साहब के खिलाफ भी तो वही एग्जैक्टली वही चार्जेस हैं, तो प्रफुल्ल पटेल साहब आपको मंजूर हैं, नवाब मलिक आपको मंजूर नहीं है, ये क्या है? मैं नाना पटोले साहब को आज मोबाइल पे मैसेज भी कर रहा हूँ कि सर आप हसन मसरूफ का नाम क्यों भूल गए, हसन मुशरिफ का नाम भी ऐड करिए, उन पे कितनी तरह की चार्जेस है, उनका वो हाईकोर्ट का वारंट पेंडिंग है, हाँ उनके ऊपर चार्जेस है, वो रनवे है, और इनके ऊपर तो श्वेत पत्र बीजेपी निकालती है, व्हाइट पत्र जिसको बोलते हैं, और सबसे करप्ट आदमी महाराष्ट्र का उसको बताने वाली, सेकंड खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री अजीत पवार को बोलते थे, क्या बोलते थे अल्फाज में यूज नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते थे, आज वो क्यों सत्ता पक्ष, क्योंकि एक इंसान, मैं नवाब मलिक का पहले भी बोलता था मैं कोई उनका फेवर नहीं करता क्योंकि उनका कुछ मुझे मालूम नहीं वो किस तरफ जाने वाले, उनका क्या इरादा है, फिर भी एक नवाब मलिक पे हमला करना है तो पूरी राष्ट्रवादी पे हमला करो ना, पूरी राष्ट्रवादी पार्टी से आप रिलेशन तोड़ो, क्योंकि यही चार्जेस बहुत लोगों पे, प्रफुल्ल पटेल साहब पे है, हसन मुशरिफ साहब पे भी, अजीत पवार पे भी है, और भी लोगों पे है, कई लोगों पे है करप्शन की चार्जेस, तो उस करप्शन तो आपको पूरी सरकार आपको हटानी पड़ेगी, आधी मंत्रिमंडल बदल जाएगी, ऐसा नहीं है कि आज जो शिवसेना में लोग बैठे हैं एकनाथ शिंदे साहब के साथ उसमें वो लोग नहीं है, उसमें भी कई लोग हैं, तो तो ऐसे लोगों का नाम उजागर करिए, आप किस एक माइनॉरिटी के लोग इसलिए आप उसको निशाना बना रहे, ये मुझे लगता सही नहीं है, आप एक पढ़ते बोलते हैं राजनीति में बहुत जल्दी लिया हुआ फैसला भी बहुत जल्दी बैकफायर करता है, तो हो सकता है ये इनके लिए बैकफायर का भी ना काम कर जाए, क्योंकि राजनीति में इतना उतावला नहीं होना चाहिए, कभी समझना भी चाहिए, चलिए आपकी जो डिसीजन है वो सरकार की डिसीजन होगी वो जाने, पर आप एक माइनॉरिटी को सीधा अटैक करते हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी का लोग है, वो इसलिए आप हमला कर रहे हो क्योंकि उसने उस पर आप पे कई चार्जेस लगाया था देवेंद्र फडणवीस जी पे, इसलिए आप हमला कर रहे हो, तो जनता में ये सवाल खड़ा होता है कि आप उन चार्जों से के अगेंस्ट में आप उनको इल्जाम तो नहीं दे रहे हो, उनको ये गिफ्ट तो नहीं दे रहे हो, नहीं तो आप हसन मुशरिफ के खिलाफ लेते, अजीत पवार साहब के लेते, प्रफुल्ल पटेल साहब, तो आपकी मैं पॉलिटिक्स को, आपकी राजनीति को मैं रिस्पेक्ट देता, पर आपकी बातें बिल्कुल डिफरेंट है, आप कहते कुछ है बोलते कुछ है, आपकी बातें बिल्कुल जुदा है, एक जैसी दिखती नहीं है, तो आप नफरतों की बाजार सजा रहे हैं, एक कौम में नफरत फैला रहे हैं और कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि जन सेवक अभी जन आंदोलन पर निकले हैं, जन सेवक जन आंदोलन पर निकले हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें गारंटी वाले बात, गारंटी वाले गाड़ी, मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरी होने वाले गारंटी, मोदी साहब का कहना है, मोदी साहब बोला 35 लाख आयुष्मान कार्ड बटेगा और पूरे हमने जो जन कल्याण स्कीम है मैं गांव गांव तक पहुंचाऊंगा, आप कैसे ले कैंपेन, एक हिंदुत्व का कैंपेन और एक गांव गांव जाने वाली कैंपेन, कैसे लग रहा है आपको, हाउ डू यू थिंक क्या होगा? वही कह रहा हूं, मोदी जी की गारंटी है कि मैं ये दूंगा, पर मैं कहता हूं मोदी जी की गारंटी है कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, मोदी जी की गारंटी है किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगा, मोदी जी की गारंटी है महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलेगा, मोदी जी की गारंटी है कि सेना को वीरगति हो जाए तो उन्हें दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, मोदी जी की सारी गारंटी है, मोदी जी की गारंटी को मैं कैसे देखता हूं ये मैं बता दिया, बाकी मोदी जी जो कहते हैं वो क्या कहते हैं वो बताएंगे, मैं कहता हूं मोदी जी ने ऐसा क्या गारंटी दिया है जो लोगों को मिल रहा हो, सिर्फ आप मैंने कहा था पोलराइजेशन पे आप इलेक्शन जीत सकते हैं, आप पोलराइजेशन पे इलेक्शन जीत गए, मगर क्या वो चीजें जो आपने वादा किए वो रिटर्न मिल रहा है, आप एक सीएम बनाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, एक मुख्यमंत्री का डिसीजन लेने के लिए आप तो 10 दिन लग सकता है, तो आप कैसे सरकार चलाओगे, कैसे अपने गारंटी को पूरा करोगे, मोदी की गारंटी को हम देख रहे हैं कि मोदी की क्या गारंटी, आज भी अनएम्प्लॉयमेंट आखिरी चरम पे है, महंगाई आखिरी चरम पे, इन्होंने कहा ना महंगाई हम हटा सकते, क्या महंगाई हटाए, आज देखिए खाने पीने जरूरतों की चीज सब महंगी है, क्या ये मोदी की गारंटी है कि वो महंगाई घटाएंगे,
या बढ़ाएंगे, ये मोदी जी को बताना है। ये रोजगार योजना हो, स्वराज योजना हो, ये निकालिए, मगर लोगों को राहत नहीं मिल रही है, लोग आज भी परेशान हाल है। इलेक्शन में आप जीत गए हैं, वोट परसेंटेज आपकी कुछ हमसे ज्यादा हो गई, मगर आम लोगों में कोई तब्दीलियां नहीं आ रही, आम लोगों तक वो बातें नहीं पहुंच रही है जो मोदी जी गारंटी। बातें अच्छी लगती है, आप अच्छे वक्ता है, मैं बोलता हूं मोदी जी अच्छा बोलते हैं, अच्छा सब कुछ है, पर क्या सब कुछ अच्छा हो रहा है ये देखना है। आज भी नौकरियां नहीं है, लोगों के पास सुरक्षा नहीं है, बात है। डिफेंस आर्मी के लोग आज भी कश्मीर के अंदर शहीद हो रहे हैं, आज भी वहां पे नेशनल सुरक्षा खतरे में है, क्या बदल गया है, कौन सी गारंटी। नासर साहब जो आप बात कर रहे हैं दुरुस्त है, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट हियर। यहाँ पर जो आप तर्क सामने रख रहे हैं उसके सामने कोई वितर्क नहीं हो सकता, सीधी बात है। लेकिन एक चीज है, वो क्या है कि जैसे वो स्टालिन साहब जो है ना, वो जब बोलते हैं कि हिंदुत्व जो है और क्या सनातन जो है बीमारी की तरह, सनातन धर्म बीमारी की तरह है, इट हैज टू बी एलिमिनेटेड। वीर सावरकर के ऊपर आप उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं कर्नाटक में, जब कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम है कि यहाँ पे महाराष्ट्र में वीर सावरकर की क्या जगह है, वीर सावरकर के लिए कितना आदर है, कितना सम्मान है, और आपके इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं उद्धव ठाकरे सेना, जो ये कहते हैं कि हम वीर सावरकर का अपमान नहीं सहेंगे, तो ये सब करने की जरूरत क्या है। और तीसरी चीज, वो बेचारे एक टेलर जो है, एक जनाब कन्हैयालाल जो है, उनकी गर्दन काट दी गई थी, उसको जाकर के क्या बुनाया बीजेपी ने। उसके सामने कांग्रेस को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि वास्तविकता में क्या चल रहा है। ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है क्या चल रहा है, लेकिन कांग्रेस को जिस तरीके से, जो आपने बात कही ना, सोलह आने वाली बात है ये, कि कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता बैठे हैं और फिर भी कश्मीर का इतिहास अच्छे तरीके से सरल भाषा में लोगों को नहीं समझा पा रहे। इसी तरीके से हिंदुत्व के बारे में जब आपके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं, आपकी क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, वो कांग्रेस अच्छी तरह क्यों समझा नहीं पा रही है। नासर साहब देखिए, आपने दो तीन सवाल है, आपको मैं उसको एक एक करके जवाब देता हूं। सनातन के ऊपर जो इन्हें बात करते हैं, मैंने कहा एक दो लोगों के बोलने से पूरी पार्टी की वो लाइन नहीं होती। पार्टी ने क्लियर कर दिया सनातन के हम साथ हैं, सनातन हमारी आत्मा है, सनातन हिंदुस्तान की आत्मा है, सनातन ही है जो इस देश को बना के रखती है। कौन क्या बोलता है वो हमारे लिए मायने नहीं, हमारी पार्टी की लाइन है कि सनातन ही इस देश की आत्मा है, सनातन के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है। तो ये एक लाइन क्लियर हो जाती है, मगर कोई हर एक व्यक्ति पे हम ताला नहीं लगा सकते, पर हमारी पार्टी की जो लाइन है सनातन के खिलाफ बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो जितना बड़ा भी लीडर हो, चाहे वो खड़गे जी के बेटे जी क्यों ना हो, चाहे वो ऐसे, हमने सबके बारे में बोला, उनके उनके खिलाफ भी आवाज उठाई कि ये सनातन धर्म के खिलाफ आप मत आवाज उठाई, आपको माफी मांगना चाहिए अगर सनातन धर्म के खिलाफ आप बोलते हैं, इससे बड़ी बात हम कोई कांग्रेस की लाइन नहीं हो सकती, सनातन इस देश की आत्मा है। दूसरी बात, आपने अभी एक किसकी बात करी आपने, वो कन्हैयालाल तो कन्हैयालाल की जो मर्डर होता है उसके अंदर उस दिन कहा कि वो बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के कार्यकर्ता, उनकी वो उसने उसको कत्ल किया, उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट है, वो चार्जशीट में उसका नाम है, वो हमने पेश किया। इसी टाइप का सेम कत्ल गुजरात में भी हुआ था, उसमें तो ये एक व्यक्ति टू व्यक्ति का अगर कोई कत्ल होता है, इससे पूरे कम्युनिटी को नहीं जोड़ सकते आप, एक कौम को पूरे कौम से क्यों जोड़ते हैं। एक व्यक्ति ने क्राइम किया, उस व्यक्ति को सजा मिलेगी, उसके साथ कोई पार्टी की कोई कोई कन्हैयालाल के साथ पूरी पार्टी की सहानुभूति है, पूरी पार्टी उनके साथ है, पूरी पार्टी उस चीज की कंडम करती है कि ये नहीं होना चाहिए, ये नफरत। पर ये सोचिए, नफरत कौन फैला रहा है, आखिर एक समाज में एक समाज को क्यों मार रहा है, आखिर क्यों इस समाज में इतनी नफरत फैला दी गई है कि समाज एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो गया है, एक धर्म के खिलाफ लोग खड़े होते जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, इसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा आखिर ये कौन लोग है जो बाजारों में इतनी नफरत फैला रहे हैं। आखिर मेरे नजर में तो लगता है जो कन्हैयालाल की जो कन्हैयालाल जी की जो मर्डर हुई उसके ऊपर पूरी सोच इन फासावादी वालों लोगों की है, ये उतने ही गुनहगार है जितना ये कातिल गुनहगार है, ये फासीवाद वाद खत्म होना चाहिए, ये गांधी की देश है, अंबेडकर की देश है, सावित्री बाई फुले की देश है, महात्मा फुले की देश है, गौतम, तो ऐसे लोगों की सोच होना चाहिए, ऐसे लोगों की सोच नहीं होना चाहिए। हम बार बार क्यों कहते हैं कि देखिए सावर, मैं वही कह रहा हूं, मैं बड़ा बोलते हैं बड़ा खूबसूरत मोड़ देके मैं इस बात को खत्म करूंगा। सावरकर जी की सोच कांग्रेस की सोच हो जाए ये अलग बात नहीं है, हम उनके मुखालफत में है ये सारी दुनिया जानती है।
क्या उस सावरकर जी के खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर कितना थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। बाबा साहब अंबेडकर उनके लिए क्या लिखते थे? बाबा साहब अंबेडकर उनके साथ स्टेज शेयर करना नहीं चाहते थे। रत्नागिरी में एक उन्होंने एक सभा भी रखा, उसको बाबा साहब अंबेडकर ने कैंसिल कर दिया। उनकी सोच से वो कभी वो इत्तेफाक नहीं। तो जब बाबा साहब अंबेडकर इस देश में उनके खिलाफ बोल सकते हैं, उनकी नीतियों को गलत बोल सकते हैं, तो मैं नासिर हुसैन क्यों नहीं बोल सकता हूं? मैं ये जवाब डालता हूं, क्यों नहीं उनके खिलाफ? उनकी कौन सी काम है जो हम उनके अच्छा बोल? हाँ, 1911 से पहले आप देखें तो उनकी काम कुछ बेहतर दिखती है। मैं बार बार बोलता हूं, हर इंसान की दो जिंदगी होती है। अगर आप इसी पर अगर पैमाना है तो मोहम्मद अली जिन्ना को 1947 से पहले देखें, वो भी एक फ्रीडम फाइटर की तरह देश में था। इसी तरह 1911 से पहले सावरकर थे, तो सबकी इतिहास है। हम जिन्ना को तब याद रखते हैं 47 के बाद कि वो विभाजनकारी था, वो देश के बंटवारे का हिस्सा बना। खुद सावरकर जी बोलते हैं हम टू नेशन टू थ्योरी चाहते थे। आखिर सावरकर जी की सोच को बीजेपी कभी अपना सकती है? सावरकर की सोच को आप देखेंगे तो मैं अल्फाजों पे क्या लाऊं? सावरकर की किताब पढ़िए, सावरकर जी की, तो आपको पता चलेगा सावरकर जी हिंदू धर्म के लिए क्या कहते थे, सनातन धर्म के लिए वो क्या कहते थे। और, एक चीज है, और गाय के लिए क्या कहते थे? तो अगर मैं उस पर अभी बोलूं तो एक कंट्रोवर्सी मैं पैदा नहीं करना चाहते, इसलिए सावरकर बोलिए बोलिए, कंट्रोवर्सी होनी चाहिए साहब, हमारा भी कुछ फायदा होगा, हमारा भी कुछ फायदा होगा अगर आप कंट्रोवर्सी करेंगे। नहीं नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ, आप मेरे नेचर को जानते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ एकदम सच्चाई से बोलता हूँ, किताबों से बोलता हूँ, जो मैं किताब में पढ़ता हूँ उतना ही बात करता हूँ। मैं पढ़ने लिखने वाला, थोड़ा शौक है मेरा, इसलिए मैं तो बाबा साहब अंबेडकर को देखिए, महात्मा गांधी को देखिए, सावरकर जी को देखिए, आप तो आपको डिफरेंसेस दिख जाता है। खुद हमारे बाबा साहब अंबेडकर पॉलिटिकली इट इज नॉट वाइज, नासिर साहब पॉलिटिकली इट इज नॉट वाइज टू टॉक अबाउट वीर सावरकर राइट नाउ इन महाराष्ट्र, इट इज नॉट वाइज, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। So everybody knows what is the Congress philosophy, what is the philosophy of Vinayak Damodar, Veer Savarkar, the differences will always remain. दो नेशन देव थ्योरी की बात करने वाले सावरकर तुम्हारे हीरो कैसे हो, वो कैसे वीर हो गए? मेरे को ये इसका सवाल का जवाब अगेन, जो देश का बंटवारा चाहते थे वो पुणे का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या नासिर हुसैन या बजाज भाई प्रदीप भाई की बात नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका रिकॉर्डेड है कि उन्होंने कहा मैं दो दो नेशन चाहता हूँ, एक देश हिंदुओं के लिए चाहता हूँ और एक देश गुजरात के लिए चाहता हूँ। नहीं है, आप एक और चीज भूल रहे हैं, हिंदू महासभा ऑफ वीर सावरकर वॉज इन एन अलायंस विद द मुस्लिम लीग ऑफ जिन्ना इन बोथ बंगाल एंड इन सिंध, इन बोथ प्लेसेस। तो दोनों जगह पर ऐसी बात है, भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, हमने लिख कर दिया कि हम भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे, इन्होंने लिख कर दिया कि हम सपोर्ट में उस समय। पर महात्मा गांधी उस वक्त भी बहुत बड़े नेता थे सर, एक लाइन और बोलता हूँ, अगर महात्मा गांधी उस वक्त बोल जाते ये कम्युनिस्ट है, जैसे आज होता है ना, देश के गद्दार है, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो इन लोगों ने लिख के दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ है, हम अंग्रेजों के साथ है। उन्होंने जाके रिजाइन नहीं दिया, कांग्रेस की तमाम सरकारों ने रिजाइन दिया, तब कम्युनिस्ट ने गत उस समय लिख कर दिया कि हम अंग्रेजों के साथ हैं, वीर सावरकर जी ने लिख के दिया कि हम इनके साथ हैं, तमाम कई हिंदू महासभा थी जो भी उस समय की पार्टियां थी लगभग उनके साथ चली गए, पर गांधी जी की पार्टी कांग्रेस उनके साथ। तो हमें फक्र है कि हम उस पार्टी के मेंबर हैं जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे, पंडित नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, हम उस पार्टी के मेंबर हैं। हमें फक्र महसूस होता है, हमारे पास एक गोल्ड एक इतिहास है, सुनहरा इतिहास है, उस इतिहास को हम दुनिया को दिखा। मगर कहते हैं थोड़ी कमियां हमने आई कि हमने पढ़ने लिखने से पीछे आ गए, नहीं तो उस दिन मैं आज भी मुझे बड़ी तकपीड़ा होती है 370 पे वो अमित शाह जी पार्लियामेंट में बोलते रह गए और हमारे सांसद भूलते रह गए, पंडित नेहरू के बारे में बोल गए और वो जवाब नहीं दे पाए, वाकई मेरे दिल को रो गया, तकलीफ हो गया। किस तरह से एक दिन आप बहुत ही जल्द हो सकता है 2024 में ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। धन्यवाद सर, इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी पर्सनली एंड फॉर प्रदीप जी एंड आई विल फील अ पर्सनल सेंस ऑफ अचीवमेंट टू सी यू इन पार्लियामेंट। वी नीड समबडी लाइक यू फ्रॉम द कांग्रेस हु स्पीक्स विद लॉयल्टी एंड पैशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैशन फॉर द वैल्यूज ऑफ द कांग्रेस, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। नासिर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो एज ऑलवेज, नमस्कार एंड जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार, जय जय महाराष्ट्र, जय भवानी, हर हर महादेव, थैंक यू सर।
another moment with us from the Maharashtra Nam Nirman Sena, also in Hari, our old friend Mr. Pathare. Mr. Pathare, very good evening, sir. Mr. Manish Pathare, how are you, sir? Namaskar. 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 Everybody is in a hurry today. आज हर एक को जल्दी में यार मतलब क्या हो गया मतलब कोई राम मंदिर बनाने जा रहा है कोई तोड़ने जा रहा है कोई फोड़ने जा रहा है ये क्या हो रहा है सर हर एक कोई बहुत जल्दी में आज ये बताएं जी हमारे पास तो हमारे पास लोगों के खुश करने के लिए प्रोग्राम है वो प्रोग्राम के लिए जाना है बाकी कुछ ये राम मंदिर बनाना चाहिए या देश को जोड़ना तोड़ना इतनी बड़ी बड़ी बातें करके वहीं पे खड़ा रहना ये हमारा काम नहीं हर दिन हर समय लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना यही महाराष्ट्र सेना का उद्देश्य मनीष पाटरे साहब आपको मुबारकबाद देनी पड़ेगी अगर कोई ना भी देना चाहे उसको देनी चाहिए और अगर कोई नहीं देता है तो वो इतने छोटे दिल का आदमी है कि बात करने लायक नहीं है आपने जो वसाई विरार में किया है ना आज तक कोई नहीं कर पाया आज तक कोई नहीं कर पाया वाटर टैंकर माफिया को भगा दिया साहब डरा दिया उनको आज तक मैं 1993 से मुंबई में हूं मैं देख रहा हूँ आई वॉज दी एडिटर ऑफ द डेली मैं तब से अभी तक देख रहा हूँ ये लोग वो हैं जिन्होंने हर सरकार के पास बैग पहुंचाए हैं और आप लोगों की वजह से आज ये बैक फुट पर आ गए और मीरा भेंडर की जो म्यूनिसिपैलिटी है अब जाकर के ये कह रही है कि बहुत ही जल्द नल में से जल आएगा मनीष पाटरे पाटरे साहब इसके बारे में जरा बताएं दर्शकों को प्लीज नहीं आपको मालूम होगा कि इस मोर्चा का जो नेतृत्व था एक तो सबसे बड़ी बात कि महाराष्ट्र में सत्ता के लिए झगड़ने वाले लोगों को दूर रख के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास जो कि आम आदमी है वो आ रहा है और आम आदमी आने के बाद उसके समस्या का हल निकालना यही एक उद्दिष्ट लेके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना काम कर रही है और इसी तरह आप अभी जब बता रहे हैं कि मीरा भाईंदर में जो कि टैंकर माफियों का राज है वहां पे पानी के लिए लोग मोहताज है लोगों को ऑफिस उनके बिजनेस को रुका के पानी की समस्या के लिए दौड़ना पड़ रहा था और जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास आए हमारे अविनाश जी यादव है उन्होंने इस पूरे मोर्चा का आयोजन किया इसका नेतृत्व सम्माननीय श्री राज साहब ठाकरे इनकी जो धर्मपत्नी है शर्मिला राज साहब ठाकरे इन्होंने किया और वही मोर्चा में उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि अगर इस महानगर पालिका ने आपको अगले 15 दिन में पानी नहीं दिया ये टैंकर नहीं बंद हुए तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए मैं आदरणीय राज साहब की धर्मपत्नी पहली केस आप मीरा रोड वसई विरार लोगों के लिए लूंगी ये उन्होंने भरे मोर्चा में डिक्लेयर किया था और उसी के तहत सामने वाले को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ताकत मालूम है इतने भी बड़े गुंडे हो हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र के लोगों के लिए यहाँ के राज्य के ऊपर जो प्यार करते हैं उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं ये सबको मालूम है और ये जज्बा है हमारा और हमने वो बताया सामने वाले को समझ आया और अभी जो गवर्नमेंट है वो भी एक्शन मोड पे है और लोगों की जो समस्या है वो हल हो रही है पाटरे साहब वी वॉन्ट टू नो सिंधुदुर्ग में हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत खराब है मनसे ने आवाज उठाया कि तानाजी जो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है तानाजी सावंत जी हिज डिक्लेरेशन की हेल्थ इज अंडर कंट्रोल मगर सिंधुदुर्ग में बहुत हेल्थ का फैसिलिटीज नहीं है आपके पूरे हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम है ये मनसे ने हाईलाइट कर दिया है आप कोंकण से बिलोंग करते हो आपने ग्राउंड पर बहुत काम किया है वहां पर कुछ हाउ इज द फैसिलिटीज हेल्थ फैसिलिटीज किस प्रकार से है सिंधुदुर्ग में सर मैं आपको इस सवाल का जवाब जो सभी पक्ष अभी जो सत्ता में है या विरोध में मेरे को तो अभी तक आपको लास्ट बार भी मैंने बताया था कि कौन सत्ता में है कौन विपक्ष में है ये अभी तक पता नहीं चल रहा है क्योंकि शिवसेना ही सत्ता में है राष्ट्रवादी ही सत्ता में है शिवसेना ही अपोजिशन में है राष्ट्रवादी अपोजिशन में है देश की जो बड़ी पार्टियां एक कांग्रेस दूसरी बीजेपी ये दो पार्टियां अलग अलग खाली बैठ के इन दोनों के साथ अपनी अपने काम कर रहे हैं लेकिन लोगों के लिए कोई उतर नहीं रहा रास्ते पे आपने अभी ये जो मुद्दा निकाला ये महाराष्ट्र के हर गांव का मुद्दा है आरोग्य सेवा का आपको शायद मालूम होगा कि बीच में जो बच्चे लोग दवाइयां की कमियों के वजह से एक्सपायर हुए थे उस समय भी इन लोगों का स्टेटमेंट यही था इनके पास कुछ पैसों के लिए कई सारी जाने महाराष्ट्र में गई थी छोटे छोटे बच्चे उनको अपनी जन्म में आगे देखने के पहले उनकी जान गंवानी पड़ी
और ये सब होने के बाद भी हमारे जो आरोग्य मंत्री है तानाजी सावंत, जिनको आप मालूम होगा कि हमेशा उनका जो विधान रहता है वो कुछ ना कुछ खलबली या कुछ ना कुछ गलती पैदा करता है। आप सिंधुदुर्ग का बात कर रहे हैं, मैं आपको पूरे कोकण का बताता हूँ कि आप कहाँ पे भी जाइए, सरकारी अस्पताल जो है उस सरकारी अस्पताल की जो हालत है वो इतनी खराब है कि आप सोचोगे नहीं। मतलब हमारे सरकारी अस्पतालों के ऊपर जो हमेशा खर्चा होता है, ये खर्चा कहा जाता है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते हैं, मेडिसिन अवेलेबल नहीं रहते हैं, जाने के बाद वो सीधा वहां से जो हमारे जिला रुग्णालय होते हैं वहां पे भेज देते हैं। जिला रुग्णालय की हालत देखोगे तो वहां पे पेशेंट के लिए ऑपरेट करने के लिए उतनी अच्छी तकनीक है नहीं, तो वो लोग भेज देते हैं मुंबई इमरजेंसी में। ये हमेशा, मतलब मैं खुद दिन में एक आध दूसरी केस मुझे कोकण से आती है कि केएम हॉस्पिटल हो, सायन हो, जेजे हो, नायर हो या वाडिया हो, ये सभी के लिए फोन आते हैं। इतनी हालत वहां पे खराब है, वहां पे ये सब नहीं हो रहा है, लोगों को खाली बताया रहा, लोग अपने अपने, क्योंकि कोकण में हमेशा हमारा जो कोकनी मानुस है वो हमेशा खुश रहता है, कोई भी दुख हो वो उसको क्रॉस करके आगे निकल जाता है। और मैं तो तानाजी सावंत जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है उनको कहूंगा कि आओ कभी हमारे साथ, मैं आपसे, आप मुझसे कुछ बात करने से अच्छा है कि चलो जाके देख लेते हैं एक बार, पार्टनर से पूछते हैं वहां की क्या हालत है, सामने सामने सर, झूठ का झूठ। पार्टनर सर, दूसरा बड़ा इश्यू आप लोग ने उठाया, आप लोग ने यही कहा कि प्रफुल्ल पटेल और नवाब मलिक, ये आपने हाईलाइट कर दिया कि प्रफुल्ल पटेल एक्सेप्टेबल है, चार फ्लोर उनका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऑलरेडी ताबे में लिया है, मगर नवाब मलिक को आपने दरकिनार किया है। फडणवीस साहब ने बहुत बड़ा लेटर लिखा है अजीत पवार जी को कि क्यों हम लोग नवाब मलिक को साथ में नहीं ले सकते, प्रफुल्ल पटेल साथ में है, अजीत पवार के पूरे गुट 7,070,000 करोड़, तो ये माप दौरा मापदंड लग रहा है आपको फडणवीस साहब का? फडणवीस साहब लेटर लिखते हैं मगर साथ में ही रहते हैं, हाउ डू यू सी इट पाटरे साहब? सर, एक तो आप सभी को मालूम होगा कि 2024 की जो इलेक्शन है भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी इवेंट है वो, इसीलिए अभी ये जो पांच राज्यों का निकाल हुआ, अभी तो आपको मालूम होगा कि पांच राज्यों में अभी तक इनका सीएम नहीं बैठा, जहां पे तीन जगह पे बीजेपी भारी वोटों से जीत के आई। अगर आपको मालूम है ये जीत लोगों ने दी है तो गए 10 दिन में तीन तारीख को कुछ रिजल्ट आया, कौन से तारीख को रिजल्ट आया, शायद 10 दिन हो गए होंगे, दिसंबर तो 3 को आया सर, एक हफ्ता हो जाएगा कल। एक हफ्ते में इनके पास नाम नहीं है अभी तक डिक्लेयर करने के लिए, ये इनका डर है कि किसी को दे तो दूसरा खड़ा रहे कि नहीं करे। इतना लोगों के, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग है वो कुर्सी के लिए एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, ये डर शायद उनको होगा। यही बात को लेके अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की जो संख्या है, जो राष्ट्रवादी और शिंदे गुट उनके साथ अभी जुड़ चुका है, उनसे ज्यादा है, फिर भी सत्ता में रहने के लिए और 2024 का रास्ता क्लियर करने के लिए देवेंद्र जी फडणवीस को आज भी उप मुख्यमंत्री पद पे बैठना पड़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जिन राज्यों में भी बीजेपी की जीत हुई है वहां के लोगों को खुद को विश्वास नहीं है। आप राजस्थान में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, वहां के लोगों का खुद का कहना है, आप सोशल मीडिया पे देखिए जो आम पब्लिक है उनका कहना है कि ये इम्पॉसिबल था, लोगों के मन में क्रोध है। वही हालत महाराष्ट्र में, आप अगर बोल रहे हैं कि कल नवाब मलिक जी अगर उनका दाऊद के साथ कुछ लेन देन है तो आप सत्ता में है, केंद्र में सत्ता आपके पास है। मेरा उनसे सिंपल सवाल है, केंद्र में सत्ता है, राज्य में सत्ता है, गए एक साल से सत्ता है, नवाब मलिक जी बाहर आए, उन्हीं के बीजेपी के पार्टी के कल मोहित कंबोज ने बताया था कि नवाब मलिक की हेल्थ अभी अच्छी है, उन्हें फिर से, क्योंकि वो मेडिकल लीव पे है, करेक्ट जी, तो उन्हें फिर से अंदर भेजने के लिए उनके मोहित कंबोज जी बता रहे हैं, तो किस बात के लिए रुके हैं ये लोग? अगर एकाद पर्सन मेडिकल लीव पे बाहर है और अगर वो अच्छा खासा मुंबई से नागपुर वगैरह घूम रहे हैं तो उनको अंदर फिर से रखने के लिए इनको प्रॉब्लम क्या है? ये चिट्ठी लिखने उनके पास, अगर गृह खाता जो है हमारा वो उनके पास है,
पूरा डिपार्टमेंट अगर होम मिनिस्टर के पास है तो वो किसे चिट्ठी लिख रहे हैं, बाजू में बैठे अजीत पवार जी को या बाजू में बैठे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे को? ये लोगों को गुमराह करने के लिए। और इसीलिए मनसे का कहना है कि अगर आपको प्रफुल्ल पटेल चलते हैं, जिनका खुद का आपको मालूम होगा कि खुद का रिलेशन उनका भी ऐसे ही है कि देशद्रोही जो है, देश के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादियों के साथ अगर इनका रिलेशन है, ये चल सकते हैं आपको, इनके साथ आप चाय पान कर सकते हैं, तो नवाब मलिक क्यों नहीं चले? इसका मतलब आप लोगों को गुमराह करने के लिए आपकी जो कमीज के ऊपर जो काले छींटे उड़े हैं, वो छींटे छुपाने के लिए, ये लोगों को दिखाने के लिए दिखावा कर रहे हैं। अगर आपको एक्शन लेना होता तो आप कभी के ले चुके होते। एक्शन लेने के लिए आपको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। आदमी आपके सामने चल के आ रहा है, दो दिन आपके साथ बैठ रहा है, तो अगर वो मेडिकल लीव पे है तो अच्छा है, तो आप उन्हें सीधा फिर से बैक टू पैवेलियन, बैक टू जेल भेज दीजिए। लेकिन ये बात दुरुस्त है, अपने दर्शकों को बता दें, मोहित कंबोज जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसकी कॉपी भी पोस्ट करी है, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि ये सिर्फ मेडिकल बेल है, जमानत सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स पर दी गई है। लेकिन अगर वो उनकी तबीयत ठीक ठाक है, अगर वो नागपुर का असेंबली सेशन अटेंड कर सकते हैं, इसका मतलब उनकी तबीयत ठीक है। ये कुछ अजीब नहीं लगता आपको पाटरे साहब? ये क्या है मतलब? ये वही बताना है दर्शकों को कि सबसे बड़ी बात बीजेपी अपने ऊपर, मतलब ये अभी आप देखिए मराठा समाज के खिलाफ, गवर्नमेंट ही मराठा समाज के खिलाफ बात करने लग गया है। ये जरांगे पाटिल जी को सामने फेस रख के जो अपोजिशन की वोट है, जो उनको शायद लगता होगा कि अपोजिशन को मिले, वो सब ये कंट्रोवर्सी क्यों खड़े कर रहे हैं? और ये इतना उनमें जोश आया कहां से? तीन राज्यों के इलेक्शन के बाद, ये पांच राज्यों के इलेक्शन के बाद जो हालत है, ये कुछ तो डाउटफुल है। इसलिए मैं खुद अभी इतना तो मतलब आपको मालूम होगा कि ईवीएम के लिए सबसे पहले राज साहब ठाकरे जी ने पूरे देश में इसके लिए आवाज उठाया था, हर लीडर के पास गए थे, उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश की थी। क्योंकि आप बड़े बड़े देशों में जैसे कि यूएसए है या और भी बड़े जो देश है, वहां पे आज भी बैलेट पेपर के ऊपर वोटिंग होती है। तो लोगों के मन में अगर शंका है तो सरकार का काम है वो शंका को दूर करना। आप ओपन इलेक्शन ले लीजिए बैलेट पेपर के ऊपर। ये सब इसीलिए ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मराठा समाज को जो जरंगे पाटिल जी का आंदोलन था, वहां पे जाके बताने वाले हैं ये लोग, उन्हें प्रॉपर कमिटमेंट देने वाले ये लोग। अभी उनके खिलाफ बता रहे, उनके लोगों के ऊपर, मतलब हमारे मराठा बांधव के ऊपर केसेस डाल रहे हैं। उन्होंने जब जो पहली शुरुआत हुई थी, जब पुलिस ने अटैक किया था, जो कि होम मिनिस्टर के अंदर आते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई तो अभी तक कुछ की नहीं। लेकिन अभी कल परसों मतलब पहले ही दिन देवेंद्र जी फडणवीस जो हमारे होम मिनिस्टर थे, उन्होंने ऐसा बताया है कि शुरुआत मराठा बांधवों की तरफ से हुई थी, पुलिस ने प्रोटेक्शन के लिए खाली लाठीचार्ज किया था। ये सब जो है इतने दिनों के बाद ये सब हो रहा है, कुछ तो इसके पीछे बड़ी राजनीति है और जो महाराष्ट्र के लिए हितकारक है नहीं, महाराष्ट्र के हित में नहीं है। मगर जिस प्रकार से भुजबल साहब आज रैली लिए थे, उस रैली में जिस प्रकार से आलोचना कर रहे थे मनोज जरांगे पाटिल जी का, और यू नो इट्स लाइक अ स्ट्रीट फाइट, स्ट्रीट झगड़ा चल रहा है कि आपने ये किया, मैंने वो करूंगा, आप क्या हिंदी बोलने नहीं आते, मराठी बोलने नहीं आते, भुजबल साहब पूरा लेटर पढ़ा रहा था, क्या क्या, तो ये झगड़ा आपको क्या लग रहा आगे जाके कहां? बिकॉज पहले हम लोग महाराष्ट्र में ये सब देखे नहीं थे। पटारे सर, ये कहां तक आप लग रहा है, कहां इसका एंड कहां होगा? जिस प्रकार से भुजबल साहब आरोप लगा रहे, 35 लाख नोंदनी हो गया है, कुनबी मराठा का, अभी मराठा रहेंगे ही नहीं, सब कुनबी मराठा, तो ये कैसे देखते हैं? सब कुनबी मराठा हो गया, मराठा रहेंगे नहीं, चार्जेस कैसे लग रहा भुजबल साहब का? सर देखिए, मैं तो आपको अभी मैंने वही बताया कि भुजबल साहब अधिवेशन में बैठ रहे हैं अजीत पवार जी के बाजू में, बिकॉज मंत्री है, सीनियर मंत्री है, और जरांगे पाटिल जी अजीत पवार जी को हर बार वार्निंग दे रहे हैं कि भुजबल जी को संभालिए, उनको रुकाइए। और इसके बीच में आपने अगर देखा होगा
एक कल ही हमारे जो दूसरे ओबीसी के जो लीडर है प्रकाश शेड़गे करके, जो भी गवर्नमेंट में है, एमएलए है, मंत्री है अभी, उनके ऊपर अटैक हुआ। लोगों ने, मराठा कार्यकर्ताओं ने उनको कहा पे, तो उनकी रैली थी वहां पे, वो जा रहे थे, उनको रोका। ये सब हो रहा है, इसके पीछे फिर ओबीसी वालों कहा पे, तो ओबीसी का आंदोलन चल रहा है। इससे महाराष्ट्र की जो अभी फिलहाल स्थिति है वो बिगड़ रही है। लोगों के मन में कुछ गलत फहमियां हो सकती है, उसके बाद कुछ अलग होकर हो जाता है। ये महाराष्ट्र को लिए मैं अभी बताया कि महाराष्ट्र के हित में है नहीं ये सब चीजें। महाराष्ट्र को अभी जरूरत है कि जो बिजनेस बाहर जा रहे हैं उनको रोक के रखना, यहाँ के युवाओं को हाथों में अच्छा काम देना, उनको अच्छी शिक्षा देना, यहाँ के नौजवानों को उद्योग करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, ये यहाँ के जो महिला है उसको सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करना। हमारे किसान, जो कि आपको मालूम होगा कि ये अभी हम सब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना रहे हैं, बड़े बड़े रोड बना रहे हैं, लेकिन इसके वजह से हम धरती माँ को जो परेशानी दे रही है। अगर हम हिंदू हैं तो हमें धरती को माँ कहना है, और अगर माँ को हम इतनी तकलीफ दे रहे हैं, जहां पे जाए वहां पे हम खाली डेवलपमेंट के नाम के ऊपर, आप बाहर के देशों में भी जाइए, डेवलपमेंट देखिए, उनके गांव कैसे साफ सुथरे है, ये कभी घूमते नहीं। ये तो अभी खर्चा करके गवर्नमेंट जो है उसके कुछ एमएलए, अपोजिशन के कुछ एमएलए, हम गरीबों का जो पैसा रहता है टैक्स पेयर का, उस पैसे से लेके ये लोग बाहर गांव जाके घूम के आते, तो वहां पे देखते क्या है, ऐसी डेवलपमेंट होती है कि समृद्धि महामार्ग बनाना है तो जहां से भी हो उसको खाली बनाना है, कंप्लीट करना है, ये एम होके डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें महाराष्ट्र इसके लिए राह देख रहा है कि कोई अच्छा गवर्नमेंट में आए और हमें ये सब चीजों में जो अच्छा हमें चाहिए, जो हमारा डिमांड है। आपको मालूम होगा लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि इन्होंने इनके मन को भाया तो इन्होंने लाइट लगा दिया, वो पूरे महाराष्ट्र में इन्होंने लाइटिंग किया, वो चाइना लाइट का जी। वो चाइना लाइट 6 महीना भी नहीं चली है, उसके लिए हजारों करोड़ रुपया खर्चा हुआ है पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन क्या के लिए मुझे तो ये समझ नहीं आया, क्योंकि लोगों, कौन से लोगों ने मांगा था इनसे ये डिमांड, किसकी थी ये डिमांड, नहीं थी लोगों की। अभी ये लोग रास्ता धो रहे, आप देखोगे मुंबई में आएंगे तो पोल्यूशन में मुंबई फिलहाल एक नंबर पे है, तो ये रास्ता धोने के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। रास्ता धोने वाला फुटपाथ से आजू बाजू का जो जगह है वहां पे खाली पानी मार रहा है, एक वाटर टैंकर आता है उससे पानी मार रहे हैं, इससे पोल्यूशन कम होगा क्या, ये पहली बात, क्योंकि धूल मिट्टी जो नीचे गिरी हुई है उसको आप पानी मार रहे हो। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम चालू है ये आपके सब जगह पे जो कंस्ट्रक्शन चालू है उसके वजह से प्रॉब्लम है। मुंबई में जो झाड़ थे, हर डेवलपमेंट के पीछे कितने झाड़ वेस्ट कर दिए या मार दिए गए, ये सब चीजें कैलकुलेशन है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने अभी जो सीसी का रोड, कंक्रीट का रोड जो बनाया है, पूरे मुंबई में कंक्रीट के रोड बन रहे हैं, इसके पहले अंग्रेजों के जमाने से यहाँ पे डांबर के रोड थे, लेकिन इतने मजबूत थे कि पूछने की जरूरत नहीं और तकलीफ जीरो थी। ये कंक्रीट के रोड के वजह से जो धूल मिट्टी, मतलब सीमेंट जो हर एक टायर चलने के बाद जो हर सेकंड में धूल मिट्टी आ रही है, इसके वजह से मुंबई में खांसी या सर्दी या उस तरीके के जो बीमारियां है वो बढ़ रही है। ये सब चीजों के ऊपर इनका है नहीं, इनकी नजर है सत्ता। And also concrete roads cost more money. That's it. बजट ज्यादा होगा, आपको भी ज्यादा मिलेगा, सीधी सादी बात है। क्योंकि डांबर के अंदर तो बड़े आराम से सब कुछ हो जाता है, और डांबर का रोड इज सो इजी टू रिपेयर। डांबर की एक, यस दैट इज मेन पॉइंट, अगर ये कॉन्क्रीट का रोड हमें, अगर इसके नीचे से पाइप, आपको मालूम होगा कि पूरे दक्षिण मुंबई में, मतलब जो कि ओल्ड मुंबई हम कह सकते हैं, वहां पे सभी पाइपलाइंस हो, ड्रेनेज लाइंस हो, ये जमीन के नीचे से गई है। अगर भविष्य में एक बार रोड बन जाता है, उसके नीचे अगर कुछ काम करना है तो उसे कंपलसरी हमें जेसीबी से या फिर वो जो मशीन आती है पोकलन मशीन, उसे लाके और रोड को पूरा डैमेज करके उसको निकाल के फिर काम करना पड़ता है और फिर उसको बनाना पड़ता है। इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसके वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। कंपेयर टू अगर आप डांबर का रोड देखेंगे तो उसके लिए ये सब चीजों की जरूरत नहीं थी, दो आदमियों में काम हो जाता था और वो भी
डांबर लगाना भी इजी था, उसका कॉस्ट भी इजी था और लोगों के लिए हेल्थ के लिए भी ज्यादा इश्यू नहीं था। और व्हीकल्स की हेल्थ के लिए भी, इससे भी आपको मालूम होगा तो ध्वनि प्रदूषण होता है मनीष पाटरे साहब, और व्हीकल्स की हेल्थ के लिए भी, टायर हेल्थ के लिए भी डांबर का रोड बहुत सबसे अच्छा होता है। टायर हेल्थ के लिए आप वर्ल्ड में कहां पे भी पूछिए, 50% टायर डांबर का रोड जो बचा था ये कंक्रीट का रोड है, इसके ऊपर वेस्ट हो रहा है। खत्म। 50,000 किलोमीटर गाड़ी चलने वाली थी वो 25,000 ही चलेगी जी, और टायर जो है वो पहले ही कटना शुरू हो जाता है डांबर की रोड पे ना। कहने का मतलब ये हुआ जो राज ठाकरे साहब पहले दिन से जो कह रहे कि आपने जो भी स्कीम बनाई है वो लोगों के हित के लिए नहीं बनाई है, आपने अपने हित को सोच करके बनाई है कि ज्यादा बजट होगा, कॉन्ट्रैक्टर से ज्यादा बचत होगी, ज्यादा कमीशन मिलेगा अपने को, सीधी सादी बात है। तो ये चेंज कब होगा सर? अब ये बदलना चाहिए ना, बहुत हो गया ना अब तो ये। अब देखिए साहब, जो आपने बात कही अभी प्रदीप जी ने भी बात करी कि मैं पूरी बात सुन लीजिए सर, आखिरी सवाल है मेरा कि जरंगे पाटिल साहब से आप मिलने जाते हैं, आप उनको एक डेडलाइन देते हैं, वो डेडलाइन खत्म हो जाती है, फिर पूरी कमेटी जाती है, जजेस जाते हैं मिलने उनसे, और फिर उसके बाद भुजबल साहब खड़े हो जाते हैं इस तरफ, उस तरफ दांगड़ कम्युनिटी खड़ी हो जाती है, वो पढ़ालकर साहब के भी के ऊपर भी आज किसी ने जूता उतार मारा है। मेरी बात सुनिए, आखिर में हो क्या रहा है पूरे महाराष्ट्र में? ये जाति बनाम जाति, मतलब जातियों की लड़ाई, एक जाति युद्ध कराना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं सर? ये पहली बात तो ये महाराष्ट्र की संस्कृति है नहीं। महाराष्ट्र में आज तक गए, मतलब स्वतंत्र होने के बाद, देश स्वतंत्र होने के बाद, मुंबई महाराष्ट्र को जब 1960s में मिली, उसके बाद से महाराष्ट्र मुंबई में कोई भी आए, हम सभी का सम्मान किया है, सभी यहाँ खुशहाली से रहे हैं, अपना जो बिजनेस है वो किया है, अपनी रोजी रोटी कमाई है। लेकिन अभी ये जो महाराष्ट्र में जाति का जो जहर है, ये घोलने का काम ये सरकार के माध्यम से शुरू है, ऐसा कहा तो लग रहा है। क्योंकि एक जगह पे मराठा समाज के हर दिन के कम से कम लाखों के सभाएं हो रही है, वहीं पे कुछ दिनों के बीच में, चार पांच दिनों के बाद में जो सत्ता में बैठे हैं वो स्टेटमेंट देके उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, उनकी सभाएं ले रही है। और सबसे बात आपने जो पहले ही पूछी मुझे कि इसके ऊपर सोल्यूशन क्या, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों और इनके साथ जुड़े हुए हैं दोनों, ये सब एक ही है देखने को जाए तो, क्योंकि इन्होंने सभी ने सत्ता देखी है, सत्ता को अपने फायदे के लिए शायद इन्होंने यूज किया है, इसका सत्ता का वापर किया है। लेकिन फिर भी एक पार्टी आज भी लोगों की समस्या के लिए झगड़ रही है, वो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। मैं लोगों से फिर से एक बार अपील करूंगा कि ये जात पात या ये सभी जो पॉलिटिक्स है इसको बाजू में रखे, इस समय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपके लिए एक अच्छा फ्रेश नया चेहरा है कि जो अभी तक सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता में नहीं होके भी उसकी ताकत, जैसे आपको आप ही ने बताया कि मीरा भाईंदर में जो एंकर माफिया थे, जो कई सालों से उनके ऊपर किसका हाथ था, वो सब आपको, आप अच्छे रिपोर्टर है, आपको पूरे मालूम है। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उसके खिलाफ खड़ी होती है, वो काम कर रही है। अभी टोल के मुद्दा को लेके फिर से एमएनएस कोर्ट में भी है, ऊपर से सरकार के ऊपर भी प्रेशर कर रही है। लेकिन सत्ता के बाहर बैठ के हर चीजों के ऊपर अगर हमें खाली रास्ते पे ही उतरना होगा, तो उससे अच्छा एक बार सत्ता दे दीजिए, उसके बाद देखिए जो राज ठाकरे साहब मिले थे एकनाथ शिंदे जी से, वो टोल टैक्स का रिपोर्ट भी शायद कुछ उन्होंने दे दिया शिंदे साहब को कि आप जरा इस पे जरा गौर फरमाइए, ये हमारे लोगों ने कलेक्ट किया है डाटा, कितने लोग जाते हैं, कितने व्हीकल्स जाते हैं, तो उसका कुछ आप बताना चाहेंगे? मैंने जैसे बताया ना आपको कि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने पूरे 15 दिन के लिए हमारी यूनिट बिठी थी, वाशी टोल नाका हो, मुलुंड टोल नाका हो, अपना बाकी के जो दहीसर वगैरह हर जगह पे हमने सीसीटीवी और हमारी यूनिट बैठी थी, जिन्होंने काउंट करके जो डेटा है, जैसे कि हमने कमिट किया था लोगों को, वो सरकार के पास दे दिया है। जो कमिटमेंट सरकार की तरफ से आई थी उसके ऊपर बात की है और उन्होंने शिंदे साहब को वो चीजों के बारे में बता दिया है। अभी सरकार का काम है, नहीं तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने अपने हिसाब से, आपको मालूम है कि मन से एक बार कमिटमेंट कर देती है तो पूरा किए बिना रुकेगी नहीं।
लेकिन बात यही मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीजों के लिए सरकार से मांगने से अच्छा है एक बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को सरकार दे दीजिए, फिर देखिए कि जो ब्लूप्रिंट में रखा है वो अगर मन में है इसीलिए तो ब्लूप्रिंट बनाई, विजन में है इसीलिए तो ब्लूप्रिंट बनाई, कुछ करके देना है महाराष्ट्र के जनता के लिए इसीलिए तो ब्लूप्रिंट बनाई। अभी तक जो पॉलिटिशियन या जो सरकार बैठी है आप देख रहे हैं उनके विजन में कुछ है नहीं, उनके मन में कुछ है नहीं, आज है कुछ तो कल अलग है। नवाब मलिक जी प्रफुल्ल पटेल जी से मिलते हैं और काफी नेताओं से मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, फिर एक लेटर बॉम्ब आता है, ये लेटर बॉम्ब के बाद ये, क्योंकि इनके मन में कभी तक कुछ है नहीं, बस अपनी सत्ता कैसे रखे और हमारे सत्ता में होने की जरूरत है ये उन्हें लगता है इसीलिए वो सत्ता में है, किसी को भी जोड़ के वो सत्ता बना रहे, इससे अच्छा है एक अच्छा एक नया और अभी तक सत्ता में नहीं लेकिन अपोजिशन में अच्छा काम करने वाला पर्याय लोगों के पास है वो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आदरणीय राजा ठाकरे। आई होप द पीपल ऑफ महाराष्ट्र एक्चुअली वोट फॉर राज ठाकरे, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग आई थिंक बाकी सब लोगों को तो आपने आपने अजमा लिया है, अब वक्त आ गया है एमएनएस को अजमाने का, बाकी सब लोगों को आपने मौका दिया है, मौका दीजिए राज ठाकरे, मुझको ऐसा लगता है, और जितना जल्दी देंगे सबके लिए बहुत अच्छा होगा, और उसके बाद अगर एमएनएस परफॉर्म नहीं करती है तो उसके बाद उनको भूल जाइए, लेकिन अगर परफॉर्म करती हैं तो फिर सबका फायदा है उसमें, और मुझे पूर्ण विश्वास है दैट एमएनएस इज द ओनली आंसर फॉर महाराष्ट्र, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। राइट, थैंक यू वेरी मच मनीष पाटिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, आपको नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मनसे, जय भवानी, जय शिवराय, नमस्कार सर। You know, the MNS is the only party which could actually take on the water mafia in sir in sir the... as Patre ji bole ki vipaksh hai kaun, wo satta mein bhi wohi dikh raha hai, vipaksh mein bhi wohi dikh raha hai, Shiv Sena aadha Shiv pura Shiv Sena udhar pada hai, 10% vipaksh mein pada hai, कौन किधर क्या है कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कौन कौन है सत्ता में है कि तो बट एट द मोमेंट विद अस वी हैव अ जेंटलमैन हु इज वेरी क्लियर ऑन वेयर ही स्टैंड्स एंड दैट ऑफ कोर्स इज आवर ओल्ड फ्रेंड एडवोकेट गॉडफ्री पिमेंटा द मैन हु इज द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस. Those who don't have a voice can always go to Godfrey Pimenta and he will fight for you the best that he can. And as they say, you cannot do better than your best. Godfrey Pimenta sir, namaskar. Namaskar sir, namaskar. Namaskar Pradeep. Namaskar, namaskar. So now you are taking up the cause of the leopards, sir. Yes sir, now you know, yesterday sir, there was a... I have heard of... you know, people keeping pet dogs and things like that. I didn't know that you are now going to be keeping leopards. Please go ahead. Just yeah. Kidding. Go ahead. The thing is, you know, as you are aware that Uttan Gorai Belt is abounding in the nature. There are a lot of what you call mangroves in that area. The extent of mangrove area is about 50 square kilometer. As compared to 87 square kilometer area of Sanjay Gandhi National Park. Okay. Now, it has been reported in past that there are about 4 leopards which have been roaming in the area. Because of the you know loss of livestock like you know the chickens and goats and the even the dogs. Sometime maybe in March 2023, one of the villager had, you know, set up some kind of a trap and ultimately the issue was blown up on social media and that poor guy was arrested, you know, under the various provisions of the forest and, you know, what you call Environment Protection Act and IPC, etc. Now, that apart now, the said leopard, I think so, was taken and treated at Sanjay Gandhi National Park. Now, there is another leopard which has been, you know, roaming in the area freely and people are fearing that after 6 p.m. they cannot venture. Now, this is the area where the number of residential houses
of Uttan. The area is known as Palkhadi, sir. Now, this area is at the base of a mountain, which is thick in, you know, what you call number of trees, and adjoining that there is a lot of mangroves. Now, what is happening, sir? You know, we have, you know, taken up this issue time and again about the capture of this animal, because people are fearing now they cannot, you know, come out of their house after the sunset. We had written to the, you know, the concerned forest officials of Sanjay Gandhi National Park, the Minister of Forest, the Deputy Conservator of Forest, etc., the Principal Conservator of Forest, Nagpur, etc., about, you know, trapping of this animal so that they are properly rehabilitated. Now, there are some views in the media I was looking at that relocation of the animal is not the answer. Now, if these animals which are growing in numbers there, now people are saying there are 4 leopards and probably in near future this number may multiply. Yes. Multiply. So the people now who are settled in the various, there are number of Adivasi padas in the area, there are a lot of tribal population there, people are having their farming and, you know, and other agricultural pursuit activities. Now they are fearing to venture out after the sunset, and the thing has so aggravated now, just the day before yesterday, the horse was attacked belonging to one of the locals, and they did not notice the wound unless you know they saw that this morning, and immediately the photographs were sent to me and I highlighted the issue. So today one of the NGO visited the area, and they have noticed that number of pug marks have been found in the area, which indicate the presence of a leopard. Now this is a serious issue that earlier there was a straying of animals from Sanjay Gandhi National Park into RA and adjoining Tungareshwar sanctuary, you know, in Thane area. Now, but these animals have ventured and, you know, traveled as far as what you call Gorai region, which is like unknown to the locals. Now, the locals have, you know, started raising, because maybe last year, I think so, one of the local lady was, you know, just venturing out the house, and suddenly from nowhere, the, you know, leopard pounced on her. Luckily, she escaped unhurt. So this kind of attacks are happening, and the locals are therefore now fearing that today it is animals, tomorrow it may be the human beings. Advocate Godfrey Pimentel, you says this, you know, especially this area, Gorai, Mad and all these places never witnessed this kind of an activity from these wild animals from the forest. Now, what do you think, what led and what should be the solution? The government, you're informed. This attacks, I think so, maybe even if the animal existed, they lived peaceful coexistence along with the humans. But over a period of time, on the Esalwad side, there are a number of excavation and other activities which are happening in the area. As a result, I think so, that is causing the disturbance to the natural habitat of the wild animals. And therefore, now they are, you know, finding roaming elsewhere, and that is how they have shifted their maybe base from one area to the other area, and that's the reason you see that you know, the attacks now, maybe there are garbage issues in the area. Now whenever there is a garbage, normally the, you know, local dogs and all that venture, and it is you know, said that number of local dogs also have gone missing from the area. Advocate Godfrey Pimentel, we want to know, you talked about SL World and some work going on in the midst of the, you know, semi-forest and forest-like areas. Now, what is this? In the middle of the forest, you're saying that some activities are going on in which the animals are, you know, the wildlife, leopards and all are being affected, their habitat are being affected.
Now, is this a government project that is coming where the SL World work is going on, or what kind of work is going on there, Godfrey Pimenta? Yeah, SL World is spread over about area of 800 odd acres. 800 acres? 800 acres, out of which the actual area which is utilized for the Water Kingdom Park and Pagoda, etc., maybe less than 50 acres. The rest of the other area is total mangroves areas. Now, we have been highlighting the issue of the cutting of hill. You cannot disturb the natural features of the hill. It is a prohibited activity since this entire area is, sir, first of all, it is a national mangrove site. There are 27 national mangrove sites all over India. Three are in Maharashtra. One is Gorai region, the other is Vikhroli, and third is in the interiors of the Maharashtra on the coastal side. So there are only three such sites in Maharashtra. One of them is Gorai. Now, this is the information I have got as far as early as 2007, that the entire belt is declared as a national, what called mangrove site. Now, if this is area has been declared as a, there is a lot of tidal action in this area. Yes. So as per CRZ also, there is number of prohibition in carrying out various development activities. Now, today what is happening, sir, they have proposed a mangrove park in the area. Now, this mangrove park is spread over a area of about 50 square, part of the 50 square kilometer mangroves. That is in the what you call Gorai region. There is similar mangrove what you call park coming in Dhaisar region. That apart, now the BMC is trying to have a road which they have proposed from Dhaisar right up to what you call Bhainder. And this road also is supposed to pass through the thickly mangrove area. Then there is a ropeway which is likely to come up. So there are a lot of development activities which are going to ultimately affect the natural habitat of wild animal. Now, under Section 29 of the Wildlife Protection Act, it is a criminal offense to disturb the natural habitat of the wildlife. Despite repeatedly taking up this issue with the concerned authorities, there is no action being taken, and as a result, this man-animal conflict has increased over a period of time, and in coming days also, I believe that there is a likelihood that the animal may attack a human being. Now, there was a case reported some months back that in Aramin colony, a 16-month-old girl child was killed by a leopard. This is a serious issue. But Godfrey Saab, that is bound to happen. Because once the natural habitat of, say, a wild animal like a leopard or any other predator is removed or narrowed down or eaten away by the kind of parks that you just mentioned and other things, rightfully, that damn thing should never have been allowed in the first place. This is bound to happen. Now, the point is the villagers, I think, will have to fend for themselves. They'll have to put, you know, strong lights and other things and so on in the area. That is what is happening. Today I was absolutely shocked when I got a feedback that after filing a complaint, the forest official deputed some members of the NGO there to survey the area. They found the, you know, pug marks there, that yes, it indicates the presence of a leopard. Yes. They suggested that you put a CCTV cameras, etc., etc. CCTV cameras is not a solution. You need to find some viable permanent solution so that these animals do not lurk out and enter human, you know, areas, human settlements, so that they are, if at all their presence is, they are well protected within particular boundaries. Now the Sanjay Gandhi National Park adjoining Aramil colony also, they are trying to create a boundary wall. So there is similar kind of thing. If the animals, if they are there, they can be confined to a particular locality, so their natural habitat is not disturbed in any manner, and the humans also peacefully live in the peaceful coexistence along with the closely guarded area.
You know, Godfrey Saab, you are also having reports of the government saying that you know, they are making sweet water from Gorai. Now, what is this? Is the desalination plant on? Is the desalination plant coming into operation very quickly? Because there was some kind of sweet water coming from Gorai, this kind of reports. Can you throw some light on that? Sir, they have proposed the desalination plant at Manori. As it is the various infrastructure project, for matter the coastal road itself has drastically affected the Koli community, the fishermen residing in the coastal areas, various Koliwadas. Now, if this desalination plant comes up, their problems are going to be compound further. Now, sir, if you recollect some 1 or 2 years back, the olive Ridley turtle were found, you know, entering the Warsaw beach for laying of eggs and hatching of their young ones. Now, if this kind of activities happen, that is going to disturb the natural habitat of this olive Ridley turtle and the other, you know, yes, the fishes which are breeding out. Now, the mangrove itself are the breeding ground for various types of species. Now, if this kind of development activities are going to happen and take place, the entire area will be transformed into an urban jungle, and that is going to really have an adverse impact on the environment. So, what about the projects of the Roro jetty? You know, the Uttan dumping ground that you are complaining, the ropeway project, the metro project. Now, how are those things function? Because you all had raised the whole village, the whole Gorai, Uttan and all the areas, and you led an agitation saying don't commercialize this area. It is a peaceful, nice village and all these kinds of activities are going to... Now, so what is the condition of the Uttan dumping ground, the Roro jetty, the ropeway, the metro project? Gopiji. Sir, apart from this project, now on the backside of this entire region, they are trying to set up a metro car shed, okay, for the Andheri, yes, Dahisar metro. Now the villagers, I have been, you know, guiding the local villagers of Morwa, Murda and Rai village, who have been opposing the setup of this. There is a enough land, government land, near Radha Swami Satsang, but the government for some XYZ reason has put up this. Now, originally they wanted to put on the agricultural land, which we resisted. Number of meetings were held with the local MLA. Today they met the Piyush Goyal, the one of the central minister in this regard. Now they have shifted this car shed to salt pan lands. Salt pan lands, if you try to destroy salt pan land, there is going to be a flooding in the area. You are planning to have Dahisar Bhainder, that road which is passing through the mangrove and the salt pan lands. This, the entire ecological balance of this area will be going topsy-turvy, sir, because of the ill-planned and ill-advised policies. Now, since there is a resistance, they are trying to find some this thing. They may enter even the mangrove areas. You never know. They are capable because there are a number of like Bullet 10 project. They have passed through the thickly mangrove areas in Thane side. So all this infrastructure development should happen, but the kind of policies which are being forced into, you are trying to go against your own policy and slogan that move the people and not the vehicle. But here we are planning all different kinds of projects which will add more vehicle population to existing burgeoning population in the city. So in effect, what we are really looking at, Godfrey Saab, is that we should not say just the environment. Actually, the safety and security of Mumbai's coastal region is under attack from all sides. Absolutely, sir. You are back there. The forest area of Mumbai is under attack from within
from multiple agencies, and very sadly, the government seems to be on the side of the attackers, which is, I think, the worst position to be in. Maybe in another 10 years or 15 years, Mumbai as we know it might actually cease to exist. Gautrisam. Sir, you are absolutely right on this issue. I have filed now not less than, I think, so about 30 RTIs just this week itself, 30 RTIs on different subjects. One of the subjects is, sir, contour mapping of Mumbai. The last contour mapping of Mumbai was done somewhere in 1900. It is more than 100 years that Mumbai Municipal Corporation has not done the contour mapping. Why contour mapping, sir? Because all your stormwater drains and other projects are done on the basis of contour mapping, which shows as to how the grading of the water, you know, how it can be dispersed fast. There is no flooding in the area. Now all and at what height above sea level each area is. Yes. Yeah. So the thing is, sir, there are number of areas in Mumbai which are, 1 meter below the mean sea level. That's right. For instance, for Kurla, if you take Kurla, it is 1 meter below the sea, mean sea level. Which is why it floods all the time. That is how it is, getting flooded. Now, if you are developing this Manori Gorai region, where you are trying to put up the metro car shed and other projects, lot of dumping will happen to reclaim the areas, low-lying areas. As a result, there is going to be bound to be severe experience in the entire, right from this Kandivli area, because Kandivli area for the first time, sir, in this monsoon, experience heavy flooding. Yes. This is the first time of this kind. Now, if development of this kind happens, people are not aware as to the adverse impact. We are just talking of mega projects, big fanfare and all that, but ultimately these projects are leading to some kind of localized situations which people are not aware. And Gautrisam, one more thing which we have forgotten, which is the most dangerous. Sabse khatarnak cheez kya hai jo Gautrisam bata rahe na, Pradeep ji, samandar ka pani andar aayega sir. Ye mangroves vagera ja. और जब समंदर का पानी बाहर जाएगा ना, जब हाई टाइड होगी, हर वक्त नहीं रहेगा, तो वो पीछे नमक छोड़ के जाएगा. सॉल्ट विल बी लेफ्ट बिहाइंड. एंड यू नो व्हाट विल हैपन? ऑल द अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज, द एक्वीफर्स व्हिच आर देयर इन एंड अराउंड मुंबई विल बी कंटेमिनेटेड विद सॉल्ट. सून मुंबई विल बिकम अ डेजर्ट 50-60 ईयर्स लेटर. आई एम नॉट, एंड हियर बाय द वे, आई एम नॉट you're trying to create a panic. Gautri Saab, Pradeep ji, you must have heard of the Aral Sea, A-R-A-L, the Aral Sea, in between Tajikistan and Russia. It was one of the biggest, largest freshwater lakes in the world. Alexander the Great, he mentions how difficult it was for him and his army to cross the Aral Sea, which was around 60,000 odd square meters or something like that. Today, there is no Aral Sea left. Nothing. Do you know why? Because the Russians, then the Soviet Empire, they diverted the entire water, destroyed all the forest area around the Aral Sea, diverted the entire water, all the channels which were feeding the Aral Sea, which by the way was one of the biggest lakes. Today, there are skeletons of ships lying on a desert which used to be the sea. I fear the same fate might befall Mumbai. It'll happen. So we are working towards it. What's happening in Chennai? Mein jo ho raha hai, hum dekh hi rahe hain. Ji. You know how things are bad when after such a long of days, you know, then it's not. The water is not going up. Restored, normalcy is not restored. Pradeep ji, is still flooded. Ji, Gautri Saab, bataye. No, sir, Chennai. Thanks for reminding me about the Chennai issue. Some years back also there was a flooding in Chennai. So I did a study of Chennai. There are two rivers in Chennai, I forget their names at the moment. But I did a study and I noticed that whatever areas were vacant,
all you know SEZ and other kind of development happened, number of IT parks etc. built, and I compared that, you know, the 10 years pictures on the satellite, and it is seen because of the low-lying areas being developed, the entire city got flooded. And there are, I studied the reports also given by the experts on the Chennai, and when the development plan of Mumbai, sir, was being finalized, I noticed that there were no buffer zone along the four rivers of Mumbai, that is Oshiwara, Daisar, Poisar and Mithi river. There was no buffer zone. As a result of taking this issue consistently with the Mumbai Municipal Corporation, they were forced to revise the development plan and show the buffer zone. But this, sir, buffer zone are only on the paper. If you see actually today, there is no buffer zone. For instance, the Mithi river, if you take the course which originates from what you call Bihar Lake, right up to it meets at the Arabian Sea, the development is absolutely touching the banks of the river. Sir, it is on the river bed. Yes. We are there. We can see it. Oh, by the way, Chennai has three rivers, sir. The Kom River, the Adyar River, and the Kosasthaliyar River. These are the three rivers of Chennai. Jee. So just check it out. Adal Chitle Committee report. Yes. You know, which has given 22 recommendations to the authorities to implement. Sorry to say that not even, I think, so 5 to 6 recommendation of that gentleman. Not even two. Not even two. Not even two. Not even two. Not even two have been recommended. So we appoint only experts to do the post-mortem and then we forget. Yes. Same thing happens. If there is a flooding, you have a Mithi River Development Authority. In last, sir, we have filed our RTI reply. In last 20 years, the chairman of the Mithi River Development Authority is the chief minister. The chief minister, sir, chaired only 2 meetings of that authority. Correct, 2. He has spent thousands of crores on cleaning Mithi River and it remains the same as status. As filthy as it was. As filthy as it was. We have seen. And by the way, we have seen how it gets cleaned. There is a dredger. It just takes stuff from here and puts it over there. And it all comes back into the river. We have seen it. We have shot it. I think what we are doing is we are planning for disaster. And Godfrey Sahab, unless and until, this has been my contention right from day one, unless and until the people of Mumbai, Mumbai ke jo log hain, jab tak aam Mumbai kar bahar sadak par nahi aayega aur ye nahi bolega ke meri mithi nadi ko वापस मिट्टी नदी बनाइए, ये जो जहर का नाला आपने बना दिया इसको खत्म कीजिए, तब तक कुछ नहीं होने वाला सर. Unless and until it can be made into a major election issue, these guys will do nothing. That's what's going to happen. Nothing is going to happen because मिट्टी एक चोर कथा करके एक पिक्चर आई थी, I think so, I don't know, but I named that मिट्टी एक चोर कथा. It has become a milking cow for the politicians who are in power. Absolutely. To skim the money out of this every year, and every year. This is one investment which gives you lots and lots of interest every year. Yes. Right, Godfrey Sahab, thank you very much. It's been a great pleasure talking to you. Godfrey Sahab, you never cease to amaze us with your energy and with your zeal and your passion and your honesty. Keep up the great work, Mumbai and all of us. We need people like you. Godfrey Pivenda sir, thank you very much for coming on the show. Namaskar. Thank you very much. Great job. Thank you. So, Pradeep ji, today Chennai, tomorrow Mumbai. उत्थान गोराई, अब उत्थान गोराई में लेपर्ड तो बाहर आएंगे ना सर. आपने वहां पे इतना बड़ा एसल वर्ल्ड बना दिया, अब ना जाने और क्या क्या बना रहे. 800 एकड़ के ऊपर और 50 एकड़ डेवलप किया, बाकी सब मैंग्रोव्स है. अब वो दे आर जस्ट वेटिंग टू डेवलप द रेस्ट, बिकॉज़ दैट इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एंड दे नो दैट्स अ ट्रेजर ट्रोव. एंड सिटी मैनेजमेंट इज जस्ट वेटिंग, अभी कौन सा वर्जिन विलेजेस बाकी है जरा उसमें भी हमको उसमें घुसिए. पहले तेंदुए भेज दीजिए, लेपर्ड भेज दीजिए, लोग अपने आप भाग जाएंगे.
होता है साहब, ये सब होता है। मैं जैसे बोलता हूँ ना, जो बॉलीवुड पिक्चर में दिखाया जाता है वो असल में कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, असल में होता है यहाँ पे मुंबई शहर में, असल में होता है ये सब भाई। अब ये लिपट जाएंगे किधर? अभी अब एसएल भी डेवलप कर रहे हो, ये गोराई भी डेवलप कर रहे हो, मनोरी भी डेवलप कर रहे हो, उत्तन पूरे। Either you'll have to shoot all the leopards to extinction, or they will come into human habitation. No, very good. If they drop in Sanjay Gandhi, then they will enter the homes in Sanjay Gandhi outside. They already have. संजय गांधी नेशनल पार्क के आसपास जो जितने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके अंदर आते हैं रात को, ऐसी क्या बात, राइट? दैट्स जस्ट अबाउट इट एज फार एज टुनाइट शो इज कंसर्न। आज के शो में सिर्फ इतना ही है, और आप जरा सब्सक्राइब करें शो को, अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, रिस्पॉन्स भेजें, कॉमेंट लिखें, और कॉमेंट में आपकी मतलब आपके मन में जो भी आए लिखें। लेट्स सी, आई थिंक वी हैव सम कॉमेंट्स टुडे ऑल्सो, लेट्स टेक अ लुक। अपने कमेंट्स जरा भेजते रहें, जो भी भाषा आपको इस्तेमाल करनी हो आप करें, इट विल बी नाइस, दिखाएं। वी बिलीव इन योर फ्रीडम ऑफ स्पीच, एब्सोल्युटली। प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ सेड फ्रीडम ऑफ स्पीच, डिस्कशन, डिबेट जरूरी है, आर्ट एंड लिटरेचर। एक्सेप्ट फॉर मोया, आई एक्सेप्ट फॉर महुआ मोहित्रा, दैट्स इट। चलिए दिखाएं, लेट्स सी। राहुल गांधी की फाइटिंग, दिस इज नासिर हुसैन साहब, आई थिंक दैट इज डेड डेड होते नाउ दुनिया जोड़ो यात्रा। ध्यान परेरा साहब 7543, दैट्स बीइंग सरकास्टिक आई थिंक। अजीत दादा ग्रुप कंसोलिडेट्स, दिस इज मिस्टर मुकेश गांधी, नो वन डेयर दैट, आर यू जोकिंग मी? क्या मतलब हुआ जी इसका? BHKEB8IN मतलब समझ नहीं आया। एंड नाउ आई कॉन्ट सी अ थिंग, ऑलराइट। बीजेपी रेडी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, दैट ऑफ कोर्स वाज मिस्टर अली दरवाला, लेट्स टेक अ लुक। हिंदू सबसे ज्यादा समावेशी और सब धर्म संभवी है, आशाज 45 साहब लिखते हैं जी। दैट इज द यूजुअल इंप्रेशन दैट हिंदूज वुड लाइक द वर्ल्ड टू बिलीव इन, दुरुस्त बात है। अपने धर्म के बारे में हर एक कोई बड़ी तारीफ करता है। डिड राहुल एंड सिली सिस्टर रिजाइन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शेमफुल डिफीट, वाई नॉट? यूजर XB9IIITRV3P। उसके बाद मिस्टर एंटनी साइमन हैं, फाइटर्स एंड आइडलिस्ट। अरे साहब वो तो दिखा दीजिए, पहले वाला दिखा तो दीजिए, पढ़ने तो दीजिए उसको। कैन वी सी दैट अगेन प्लीज, दिखाइए। फाइटर्स एंड आइडलिस्ट डोंट क्विट, क्विटर्स डोंट विन, दे विल फाइट द क्रूअल बुली एंड कवर्ड कॉल्ड मोदी, दैट्स व्हाट ही सेज एंटनी साइमन। चलिए साहब आगे चलिए, आप चलिए आगे। Rahul is a feisty, valiant fighter. He is resilient and courageous. He will come out triumphant. All saviors of humanity have suffered, from Jesus to Muhammad to Buddha. Revolutionaries suffer, but they don't care for their lives. Modi loves power and lies. He is a bully and a coward, abusing power. That's what Mr. Anthony Simon says. I don't agree with that, of course. But you have the right to. I agree with the right of this gentleman to write whatever he wants. This of course is Ramesh Medep 7385, Nupur Sharma ko support karna galat tha, to tu jihadi Hamas ko support kar na kiya hai re, whatever, that was nice. Alright, I don't think Nupur Sharma did anything wrong, but then that's what people believe in, God bless them, that's it. Do remember Nupur Sharma, she could have used better language, I understand. But she was provoked by that gentleman from Lakshadweep, if you remember, that Rehmani. That Dr. Rehmani provoked her, and the anchor from Times Now did not stop the two. But very sadly... But things are changing the way, you know, as you said, perceptions are changing. And the platforms are changing. And the logos, jo dekhte hain, audience views are changing. Pradeep ji, dharmik vivad mein padhna hi nahi chahiye. मैं ये मानकर के चलता हूँ, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के अगर आप प्रवक्ता हैं, जैसे नूपुर शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, तो उनको अपने धर्म पे, ना किसी और के धर्म पे आपको कटाक्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू आर देयर फॉर डेवलपमेंट, यू आर देयर फॉर द गवर्नमेंट, सीधी साधी बात है। अब शिवलिंग के ऊपर अगर डिस्कशन हो रहा है तो आपको सीधा ये बोलना चाहिए कि भाई देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सीज्ड ऑफ द मैटर, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट सीज्ड ऑफ द मैटर,
मैटर जो है वो डे टू डे बेसिस पे चल रही है, तो व्हाई वी डिस्कसिंग इट ओवर हियर इन दिस मैनर? सो पर्टिकुलर टाइम एक्चुअली द रिस्ट्रेंट हैज टू बी फ्रॉम ऑल साइड्स. यस, देयर वाज सम सोशल मीडिया, यू नो, कंटीन्यूअस कैंपेन चल रहा है, बाबा एटॉमिक सेंटर भी शिवलिंग है, ये भी शिवलिंग है. हां तो बोलना चाहिए था ना, है ना, तो हमारे लिए है. द रिस्ट्रेंट हैज टू बी फ्रॉम ऑल साइड्स. लेकिन प्रदीप जी, मैं तो ये मान करके चलता हूं हमारे लिए है. एवरी ग्रेन ऑफ सैंड इज अ शिवलिंग, दैट्स व्हाट वी बिलीव इन. शिव हर एक जगह, हर जगह पर है, हर चीज में है, कण कण में शिव है. नहीं, ये बोलते हैं आइडियोलॉजी के लिए है, पर किसी ने अगर उस चीज को एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हाईलाइट इसलिए कर रहा है कि मजाक बनाए, देन यू नो देयर इज अ वे ऑफ रिटेलिएशन. यू कांट टॉक, यू नो, यू कांट टॉक बाइबल टू अ रोग. बट द फैक्ट रिमेंस प्रदीप जी, एज फार एज बीइंग अ पार्टी स्पोक्सपर्सन इज कंसर्न्ड, नूपुर शर्मा जी वाज नॉट अ रिलीजियस स्पोक्सपर्सन, शी वाज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ अ पार्टी. एंड द बीजेपी डज नॉट स्टैंड ओनली फॉर हिंदूज, द बीजेपी इज अ पार्टी फॉर ऑल इंडियंस. भारतीय जनता पार्टी है ना, हिंदू जनता पार्टी तो नहीं है ना. तो लिहाजा जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक सोशल मीडिया कैंपेन जैसे एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी चलाया था कि ये भी शिवलिंग वो भी शिवलिंग, ये भी शिवलिंग वो भी शिवलिंग, एक मजाक बन गया था. तो आई मीन इट वाज नेचुरल फॉर यू नो सप्रेस्ड इमोशंस टू कम आउट कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू से. एक तो ये है कि आई मीन दिस इज देखिए साहब, ऐसा है, ऐसा है कि कभी आप वो गाली देंगे मुसलमान, गाली देंगे हिंदुओं को, हिंदू गाली देंगे मुसलमान को, तो दोनों के दोनों पे गालियां पड़ेंगी. फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वो नारा लगेगा गुस्ताख ए रसूल की है कि सजा सर तन से जुदा, तो, और कोई गधा जो है जाकर के किसी को मार भी देगा, और उसके बाद फिर हिंदुओं की तरफ से भी रिटेलिएशन होगा. आई थॉट यू नो द सेम थिंग एज यू सेड, रेमानी पर भी कोई पाबंदी आना चाहिए था. Rightfully speaking, he should have been picked up, he should have been in jail for doing whatever he was doing. Unfortunately, only Nupur Sharma has had to go on hiding. Not that I have, you know, great admiration for Nupur Sharma, let's be very clear. But all I'm trying to say is, now these religious discussions are best avoided, because Pradeep ji, your religion is yours, mine is mine. Let's leave it at that. Or, as far as social media is concerned, the social media platforms should be more careful about the kind of stuff that they allow on their media platforms. And there is one guy, by the way, who started this entire thing, that is that Mohammed Zubair fellow, I think, Zubair or something that he is called, who actually picked up this Nupur Sharma statement and had it spread all over the world. And then these Pakistani, everybody knows these Pakistani Twitter handles took over. And they spread it all over the place. I wish there could be a proper investigation on what really happened at that time. Very unfortunately, even this government seems to be able to leave things halfway. They arrested him and put him behind bars. He was in jail for a long time. For a short while. And he's out now, doing exactly the same thing he was doing earlier. I mean, the gentleman who runs Alt News. I mean, sir, kuch log ka wohi kaam hai. Wohi karenge, ab dusra kya kaam karenge. And his job is to incite. लेकिन देखिए प्रदीप जी, the governments also have to keep step. They have to be abreast of all developments in social media. जो पुराने कानून हैं अब काम नहीं आएंगे. No, I think they're banning. A lot of mobile operators have started banning. Even in fact, WhatsApp and other groups have started any complaints. They ban them. They put the services off. That has happened. A lot of people from Mumbai has approached us, saying that our content has not only content blocked, our account has been blocked by WhatsApp. It should be, it ought to be. Any content which leads to violence should be blocked immediately. Let's be very clear. You can have a discussion, you can have any kind of discussion that you want, but anything where there is an instigation or incitement to violence, that has to be blocked immediately and action needs to be taken. That's what governments are for. Anyway, that's what I believe in, that's what Pradeep ji believes in, and I'm reasonably certain that's what all honest citizens of this country believe in. Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned. Aaj ke show mein sirf itna hi. Usse tatparya sirf ek hi nikla hai Pradeep ji, BJP jo hai, Bharatiya Janata Party, bahut clear hai sahab ki unko kya karna. They're very clear, the way they're going, they've got their goals set, everything is set. The Congress and the rest of the India Alliance have to decide what to do now after getting a bloody nose in Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Ab aap jitna marzi khush ho lijiye ki BJP wale jo hain wo abhi tak apna mukhyamantri tay nahi kar pa rahe, ye nahi kar pa rahe, wo nahi kar pa rahe, lekin bottom line is Congress hari hai in teenon state mein. Telangana mein aap jeete hain, zabardast kaam hua hai, aapki izzat bhi bach gayi hai
और ये भी दिख गया है सब लोगों को कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा कभी भी। सी सादी बात है, आप जो कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए, लेकिन कुछ और सोचना पड़ेगा प्रदीप जी, इंडिया अलायंस को कुछ और सोचना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ऑल दीज ओल्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, वो क्या वो चाहे और बिस्किट वाली जो है डिप्लोमेसी अब नहीं चलेगी, कुछ और आपको करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। वो क्या करना पड़ेगा ये आप लोग सोचें, बिकॉज बोथ प्रदीप जी एंड आई आर नाइदर इन द बीजेपी नॉर इन द कांग्रेस नॉर इन एनी ऑफ द अदर पार्टीज एसोसिएटेड विद द इंडिया अलायंस और द एनडीए। स्टडी इंडिपेंडेंस, दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी आर। बट आई डू एडमायर नरेंद्र मोदी, सो डज प्रदीप जी, एंड आई थिंक ही इज डन अ वंडरफुल जॉब सो फार फॉर द कंट्री, एंड आई होप दैट वंडरफुल जॉब कंटिन्यूज। नेशन नाउ में आज इतना ही, आप अपने कमेंट्स भेजते रहें, वील ट्राई एंड रीड आउट एज मेनी एज पॉसिबल। फिलहाल आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।